मेला मौसम की टीम पहुंच चुकी है छतरी नंबर 7 और 1 के ठीक बीच में है। रिफ्रेश मैट्रेस, विशाल विंडो कूलर, विशाल फर्नीचर का रिफ्रेश मैट्रेस का ये शोरूम आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। मैट्रेस की लंबी श्रृंखला यहां पर अवेलेबल है, आपको हर प्रकार के मैट्रेस यहां पर अवेलेबल है। रिफ्रेश मैट्रेस के शोरूम के अंदर का नज़ारा जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहां पर एक से बढ़कर एक आपको मैट्रेस मिल जाएंगे। यानी कि मात्र आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, यहाँ पर मैट्रेस की लंबी श्रृंखला यहाँ अवेलेबल है। और ग्वालियर व्यापार मेले की सबसे बड़ी अलमारी विशाल विंडो कूलर, विशाल फर्नीचर पर अवेलेबल है। 7x7 की ये अलमारी जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, बेहतरीन स्लाइडर के साथ ये शानदार अलमारी, कितना बड़ा स्पेस है आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। यानी कि आपके घर की हर एक ज़रूरत, यानी कि आपकी हर एक ज़रूरत को पूरा करेगी ये शानदार अलमारी जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये तो मैंने एक साइड का दिखाया है आपको, ये दूसरी साइड का मैं दिखाता हूँ। मैं ग्वालियर मेले की सबसे बड़ी अलमारी है ये, ग्वालियर व्यापार मेले की सबसे बड़ी अलमारी आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, सबसे बड़ी अलमारी ये भी यहाँ पर अवेलेबल है। अगर ये भी आप लेना चाहते हैं तो आज ही बुक कराएँ यहाँ पर आकर। छतरी नंबर 1 पर है विशाल विंडो कूलर, विशाल फर्नीचर का शोरूम, यहाँ पर आकर बुक कराएं। कूलर्स की भी यहाँ पर लंबी श्रृंखला यहाँ पर अवेलेबल है, हर प्रकार के कूलर यहाँ पर अवेलेबल है। अगर आप टेंट व्यवसायी हैं और आप बड़े कूलर लेना चाहते हैं तो ये कूलर भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। प्लास्टिक वाले कूलर भी यहाँ पर अवेलेबल हैं जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये कूलर। और ये है दोस्तों शानदार अलमारी, यानी कि वुडन अलमारी भी आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल है, और मात्र 1000 रुपये देकर आप बुक भी करा सकते हैं यहाँ पर आकर। छतरी नंबर 1 पर आप देख रहे हैं ये शानदार वुडन अलमारी, कितना सारा स्पेस है। ये डबल डोर अलमारी है आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, और साथ में ये दो बॉक्स भी दिए गए हैं यहाँ पर, और बॉक्सों में काफ़ी सारा स्पेस है। और ये दो बॉक्स हैं, यानी कि आप अपना कीमती सामान, चूड़ी बैंगल्स वगैरह इसमें आराम से आप रख सकते हैं। और फिनिशिंग देखिए, बड़ी शानदार फिनिशिंग के साथ विशाल विंडो कूलर, विशाल फर्नीचर पर है ये वुडन अलमारी जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये बड़ी शानदार डबल डोर अलमारी है, और एक दराज यहाँ पर भी दिया गया है आप देख सकते हैं, एक दराज यहाँ पर भी दिया गया है आप देख सकते हैं। ये बॉक्स बड़े ही शानदार हाइड्रोलिक बॉक्स हैं आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, बड़े आसान से और स्मूथली ये ओपन हो रहा है। और इसमें भी कई सारे डिजाइन यहाँ पर अवेलेबल है आप देख सकते हैं, डिजाइन और कलर आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल है। अगर आप लेना चाहते हैं अच्छा फर्नीचर, अलमारी, कूलर, तो एक ही छत के नीचे है विशाल विंडो कूलर, विशाल फर्नीचर के शोरूम में आइए, 1000 रुपये देकर आप यहाँ पर बुक भी करा सकते हैं। और अगर आप मेला महोत्सव का नाम लेकर आते हैं तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा यहाँ पर। छतरी नंबर 1 पर विशाल विंडो कूलर, विशाल फर्नीचर का कंपनी का ये शोरूम। भगवान श्री रामचंद्र की जय, बालाजी महाराज की जय, हारे के सहारे की जय, खाटू नरेश की जय, श्याम बगीची सरकार की जय, बालाजी महाराज की जय, विंध्यवासिनी मैया की जय, अल्लाह के रहमो करम से, वाहेगुरु के आशीर्वाद से, आप ही का अपना वाला प्रोग्राम ग्वालियर मेला महोत्सव में मैं विवेक शर्मा आप सभी का तहे दिल से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। हमारे कार्यक्रम के मेन स्पॉन्सर हैं विशाल विंडो कूलर, विशाल फर्नीचर। अब थोक रेट में लीजिए अपना पसंदीदा फर्नीचर छतरी नंबर 1 पर, और हैवी डिस्काउंट चल रहा है, आज ही आइए। और मेला महोत्सव का नाम लेने पर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाएगा, और लाइफ टाइम सर्विस फ्री, और होम डिलीवरी भी फ्री। यानी कि चंबल संभाग में कहीं पर भी आप लेना चाहेंगे, होम डिलीवरी आपके लिए फ्री। गुरु वीरेंद्र शर्मा जी के आशीर्वाद से मैं विवेक शर्मा शुरुआत करता हूं आज के प्यारे से प्रोग्राम की। पर उससे पहले बताना चाहूँगा, YouTube पर 103 मिलियन लोगों ने देखा और पसंद किया ग्वालियर मेला महोत्सव, और करीब 2.25 लाख के करीब सब्सक्राइबर हो चुके हैं। और Facebook पेज पर 13.5 लाख लोगों ने रीच किया, यानी कि देखा है, और करीब 1.5 लाख लोगों ने लाइक किया है आपके अपने प्रोग्राम को मेला महोत्सव 2024 को। डैन पर 155, GTPL पर 52, हिंदुजा केवल पर 72, और डिजियाना पर 92 नंबर पर आप 24 घंटे देख सकते हैं।
अपने प्रोग्राम को ग्वालियर मेला महोत्सव 2024 को। चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्यारे से प्रोग्राम की, पर उससे पहले मैं आपसे आप सभी दर्शकों से मिलवाना चाहूँगा ग्वालियर के गौरव और ग्वालियर का नाम ग्वालियर में ही नहीं हिंदुस्तान के हर एक बड़े बड़े मंचों तक पहुँचाया है और अपनी संघ की ध्वनि से आज तक जी न्यूज सभी न्यूज चैनलों पर और हमारे आदरणीय और हमारे पीएम साहब की सभा में भी यानी कि संघनाद कर चुके हैं, संघ बजाकर सभा की शुरुआत कर चुके हैं। ऐसे ही हमारे भैया हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम शंख विक्रम है विवेक भैया। और संघ विक्रम जी यानी कि इनके नाम के आगे संघ लगा है जी, तो संघनाद करते हैं पहले फिर उसके बाद। जी बिल्कुल। और रिकॉर्ड बनाया है भैया ने। भैया कितना रिकॉर्ड है अपना एक सांस में? मैंने अभी जैसे पिछली बार अभी रिकॉर्ड किया था तो 23 मिनट से 45 मिनट तक नॉन स्टॉप बजाया था 23 मिनट से लेके 45 कौन घंटा तक? बिल्कुल दो तीन बार मैंने रिकॉर्ड किया है तो बजाया है। दो तीन बार रिकॉर्ड किया है। और कौन कौन सी सभाओं में आपने संघनाद किया है? अब मैंने तो लगभग 5 से 7 हज़ार स्टेजों पर संघनाद कर चुका हूँ, याद नहीं है लेकिन कुछ मुख्य चीज़ें याद हैं। जैसे तिब्बत के राष्ट्रपति उनका मंच में साझा कर सका हूँ, अपने यहाँ के ग्वालियर के ज्योतिराज महाराज अपने ज्योतिराज सिंधिया जी उनके साथ में और नरेंद्र साहब पीएम साहब के साथ भी पीएम साहब की सभा में पहुँचने के लिए मैं गया था लेकिन कारण यह सीएम साहब जो अपने शिवराज सिंह जो पूर्व सीएम थे उनके साथ भी मैं बजा चुका हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं संघनाद से, एक बार ज़ोरदार तालियाँ हो जाए भैया के लिए। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए, यानी 45 मिनट तक नॉन स्टॉप बजा सकते हैं। कैसेट कम पड़ जाएगी हमारी जी, कोई इतना अच्छा टैलेंट है भैया में। और भैया और क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से? वैसे संघ से कुछ प्राकृतिक चीज़ें और दिमाग भी से भी जुड़ी रहती है। बिल्कुल, ये मेडिटेशन के लिए बहुत ही, आपको अगर कोई भी स्ट्रेस दिमाग में है, कोई भी अगर प्रॉब्लम है, टेंशन है, आप शंखनाद सुनिए और बजाइए और आपको तो लाभ मिलेगा मिलेगा। अगर आप शंख बजाते हैं तो इससे सुनने वालों को भी लाभ मिलेगा। जो बच्चे तोतलाते हैं या अखलाते हैं उनको अगर 2 से 3 महीने शंख का अगर पानी पिलाया जाए तो उससे भी उनका तोतलाना अखलाना बंद हो जाएगा। और अखलाना बंद हो जाएगा, ये औषधि है एक। ये जिनको रुकावट रहती है बोलने में वो भी शंख बजाएं तो उनकी रुकावट भी दूर हो जाती है। बिल्कुल, ये सांस में और फेफड़ों से एक औषधि की तरह काम करता है जो कि आप इसको अगर उपयोग में लाते हैं दर्शन से ही लाभ मिलता है क्योंकि ये देवी देवता के हाथ में ही अपने आप में बहुत एक शक्ति है। कोई भजन हो जाए भैया,
माता जिनको याद करे वो लोग निराले होते हैं, माता जिनका नाम पुकारे किस्मत वाले होते हैं। तो ये अगर माता रानी हमें इस चीज़ के लिए सुना तो हम किस्मत वाले हैं, क्या ईश्वर का आशीर्वाद जो दुनिया को मिल रहा है वो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ, क्या ईश्वर ने मुझे आशीर्वाद दिया और आज ये शंख दुनिया का भला कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे भैया, आप प्रोग्राम में आए पर अभी आप रुके रहिएगा जी, आपके लिए भी उपहार है हमारे सभी स्पॉन्सर्स की ओर से और ग्वालियर मेला महोत्सव की ओर से। और अब शुरुआत करते हैं, हमारे छोटे छोटे बहन भाई इंतजार कर रहे हैं। नहीं नहीं, आप इनका करें और मैं शंख की एक दो चीज़ें और ऐसी विशेषताएं बताऊंगा जो लोगों को शायद अभी तक नहीं मालूम है। अभी अपन वो वाली विशेषता जानते हैं। अदीवा खान। अदीवा खान, अरे वाह, मैं तो बोल रहा हूँ, मैं तो सबका चूल का नौता है, बुआ जी और हमारी भतीजी जी, फुप्पी भेजिए, हमारी खाला की लड़की हैं, छोटी छोटी लड़की हो आप, खाला की हमारी। हाँ, कहाँ से आए हो आप? हम घोड़ा चक्की पे से। घोड़ा चक्की पे से, घोड़ा चक्की पे से, हाँ। वहाँ चल रहा है डैन पर और GTPL पर, तो क्या सुनाएंगे हम? पोयम और पोयम सुनाएंगे, पोयम और डांस सुनाएंगे। डांस कैसे सुनाते हैं? डांस करेंगे। डांस करेंगे, चलिए सुनाओ जल्दी से पोयम। बिल्ली गई दिल्ली, दिल्ली में था बंदर, लाल किले के अंदर बंदर ने दी मूंगफली, बिल्ली उसको लेके चल पड़ी, रास्ते में था भालू, भालू ने बोला ला मैं खा लूं, भालू वो बिल्ली ने मारा पंजा, भालू हो गया गंजा। ओ, भालू गंजा हो गया। और कुछ? और कुछ? एक और आती है, अब डांस। हाँ, एक साथ दोनों साथ में करोगे? हाँ। आप कौन, फुप्पी की लड़की हो आप? बहन बहन। हम बहन 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 है। कब से? बहुत सालों से, बचपन से। हाँ। चलिए दोनों बहनों का प्यारा सा टैलेंट आपको दिखाते हैं मेला महोत्सव 2024 में। नाच सुनाएंगे आप? हाँ। सुनाइए। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला। इतनी बहुत बढ़िया, अभी आपको लिए भी उपहार है, चलिए दिखाते हैं दोनों बहनों का टैलेंट। मेरी मन टोया जमाई से नरा लखा में, तो खासल को रहा वो बैरी अख्या में, धोली गेटी में वो काला तोरा न्यारा बढ़ के, धोली गेटी में वो काला तोरा न्यारा बढ़ के, हो गई हाल सर पे तो घड़ रे पानी चल के, हो गई हाल सर पे तो घड़ रे पानी चल के। तो रहूं सो हैप्पी हैप्पी लगता है उसके गले।
एक बार जोरदार तालियां हो जाए दोनों बहनों के लिए, जोरदार तालियां। आपका माला विश्वकर्मा। माला विश्वकर्मा जी, कब से ये नाम है आपका? जब से पैदा हुए। जब से पैदा हुए हैं, जब से आपको पता पड़ गया था जी ये नाम रखा घर वालों ने, आपको कैसे मालूम पड़ा? आप आराधना विश्वकर्मा। ये आपकी सिस्टर है? नहीं, लड़की है, भतीजी। आपकी भतीजी है? तो क्या सुनाएंगे आप? भजन सुनाएंगे? भजन सुनाइए। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गंगा है, उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। बहुत बढ़िया, अभी आप रुके रहिएगा, आपके लिए भी उपहार है। और चलिए एक और प्यारा सा टैलेंट आपको दिखाते हैं। और कहना चाहूँगा, अगर आप में भी है टैलेंट, बच्चों की टाइमिंग में बताना चाहूँगा, 1:30 से 2:30 बजे तक छतरी नंबर 3 पर आप संपर्क कर लें। अगर हम आपको छतरी नंबर 3 पर नहीं मिलते हैं तो फिर आप शिल्प बाज़ार में आ जाइए, कांच वाली बिल्डिंग के ठीक पास में है शिल्प बाज़ार, यहाँ पर हम मिल जाएंगे। अगर आपके बच्चे में होगा टैलेंट, जो भी टैलेंट हो अदरवाइज, तो आप एक बार यहाँ पर आइए। क्या नाम है बेटा आपका? हिमांद्री विश्वकर्मा। हिमांद्री विश्वकर्मा, अरे वाह, आज तो तैयार होकर आए हो आप। किसने तैयार किया आपको? मैं खुद हुई हूँ। और आप खुद ही तैयार हो गए? मम्मी नहीं करती तैयार? क्यों? मैं अपने आप से हो जाती हूँ। अपने आप से? हाँ, ये गुड गर्ल है ना। हाँ, वो बच्चे जो मम्मी पापा को ज़्यादा परेशान नहीं करते, खुद तैयार हो जाते हैं, वो बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, है ना। तो किस क्लास में पढ़ते हो आप? थर्ड। थर्ड में, बहुत बढ़िया। तो क्या करके दिखाएंगे? डांस। डांस पक्का? हाँ। चलिए हिमांद्री गुड़िया का प्यारा सा डांस टैलेंट आपको दिखाते हैं, आप ही के अपने वाले प्रोग्राम मेला महोत्सव 2024 में। वैसे इतना डांस करोगे, बहुत सारा करोगे? जितना सॉन्ग बजेगा उतना कर सकते हो। अच्छा, जितना सॉन्ग बजेगा। एक बात बताऊँ मैं आपको, सॉन्ग अगर मैं 1.5 घंटे चला दिया तो ठीक है, तो भी कर लेंगे। हाँ। ये कहते हैं ना, बेटियां किसी से कम नहीं होती। चलिए हिमांद्री गुड़िया का प्यारा सा टैलेंट आपको दिखाते हैं। राय बरेली में तो बीच बाजारी जब हुस्न दिखाने जाएगी, होश उड़ाने वाली शोख नजर के जो पेच लड़ाने जाएगी। राय बरेली में तो बीच बाजारी जब हुस्न दिखाने जाएगी, होश उड़ाने वाली शोख नजर के जो पेच लड़ाने जाएगी। अरे बहन कितना जेवर गहना, तेज हवा से बच के रहना, गिर जाए तो फिर ना कहना झुमका गिरा दे। What झुमका? What झुमका? कसम से उतना फेंक है तू पड़ गया, क्यों गले दुम छल्ले की तरह चिपक के सल्लाते, जैसा लगा हुआ है चेप जैसा, ना किसी काम का नहीं ठल्ले की तरह। बस ढूंढ रहा है मौका, खुल के मारेगा चाका, बाय चांस किसी लड़की का जहां झुमका गिरा ले।
गुड़िया के लिए। और चलिए अब बारी आती है गिफ्ट बांटने की, तो सबको गिफ्ट तांगे बाला नियोली में तो बन्ना लाई रे अलबेले तांगे बाला। सुनाई नहीं पड़ रहा क्या तेरे को कुछ? नहीं तो इसके मारे तो कोई दिक्कत नहीं। ए बाली नंबा हिर मैटम लंबा तेरी जान कसम रे लंबा देखो ले लाऊं लंबा तेरी जान कसम रे लंबा जो चोरे में ते तैयार क्या ले जा रे। ओए 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 डेगली बजरा डेगली बजरा डेगली बजरा अबे डेगली बजरा। चिरकुंडा चिरकुंडा आज चिरकुंडा खिसक गया है। कौन सा गाने चल रहा है? ओए चिरकुंडे क्या हो गया? जोड़े में तो चल के आया रे अलबेले तांगे वाली जोड़े में तो केला ले आई रे। कहाँ गया? अरे यार मेरा इसमें चल रहा था क्या? ओ हाँ इसमें चल रहा है। नहीं 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 क्या हो गया? कुछ नहीं। अरे बच्चों गिफ्ट बांट रहा था यार मैं चिरकुंडे। तो मैं भी तो गिफ्ट लेने आया हूँ आज, मेरे भैया की शादी है लवली भाई की। हाँ भाई की शादी है तभी तो गेट अप में जी देखो अच्छो जो भी कोट मोट और क्या। हाँ कहाँ से लाए हो ये? जे टोपी तो ऐसे लाया था। अरे यार बिल्कुल आज तो स्मार्ट लग रहे हो। और क्या बिल्कुल पैंट वेंट जूते कहाँ से? बाप जो तो दादा के लग रहे हैं। दादाजी के? दादा के नहीं, वो हमारे दादा के दादा के दादा के साथ पहन के आ गए हैं उनके। और क्या उनके पहन लिए। और क्या मतलब दादा के दादा के दादा के दादा के दादा के दादा के जूते। हमारे लवली भाई ने एक गलत काम किया, डीजे नहीं लगवाया इसलिए मैं भूपर खरीद कर डीजे खुद। और क्या अब लगाओ और बढ़े जाओ, लगाओ और बढ़े जाओ, है ना? ओके। कौन को कौन है भैया? मैं हूँ और कौन हूँ? बच्चों का इंटरव्यू कर रहा हूँ। तो मैं भी तो बच्चा ही हूँ अभी, दो साल का देखना है तो मैं तुम्हारी कमर पे भी नहीं आ रहा। बच्चा हो तुम? और क्या गौर से देखिए इस बच्चे को, देखो जो डांस भी करता है बोलता भी और कहता है कि मैं बच्चा हूँ। दिल तो बच्चा है जी, दिल तो गार्डन है, दिल तो पागल है तेरे चक्कर में मैं दीवाना हूँ। ये सीधे बरेली से आया है पागल खाने से अकेला? अकेला आया हूँ अकेला। सुना है गलत? कौन है कौन है कौन है कौन है तुम्हारे साथ? उसका नाम बाबा। बाबा उसको बोलते हैं अल्ताफ। अच्छा अल्ताफ बाबा बहुत बड़ा सिंगर है वो। बहुत बड़ा सिंगर बहुत बड़ा जी, अपने ग्वालियर क्षेत्र में तो कोई लग ही नहीं रहा उसको। अच्छा इतना बड़ा और क्या? इतना बड़ा सिंगर, इतना बड़ा सिंगर है, बड़ा 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 बड़ा। भाई अरे भाई कहाँ पर अल्ताफ भाई? अल्ताफ भाई आ जाओ जी, आ गए। मेरा भैया है छोटा भाई, ये सिंगर है यार। और क्या लगता है ये सिंगर? बहुत तेरा सिंगर है यो यो हनी सिंह। अंगूठा ये बताओ, अंगूठा चौंकने वाला ये कौन सा सिंगर है? ये कहते हैं ना भाई साहब, ये अंगूठा चौक सिंगर वो है सिंगर। अच्छा कौन सा गाना सुनाएगा? जिमी 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 सुना दे। जिमी जिमी सुना। बहुत खतरनाक सिंगर है, बहुत खतरनाक। एक मिनट और क्या? रुक भाई रुक रुक एक मिनट रुक। गाना कौन सा सुनाएगा? जिमी जिमी। चलो सुना भाई जिमी जिमी, सुन लेते इसका भी सॉन्ग। ढाई करोड़ रुपया देकर मंगवाया है मैंने जी। ढाई करोड़? ढाई करोड़ यार, इतनी मत फेंका कर भाई। तीन लाख लेके मंगवाया है। तीन लाख। आप कौन सा गाना सुना रहे हैं? तीन लाख गड्डी लेके आया है ना जी। आप कौन सा गाना सुनाएगा? आ, 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 आ। गाना सुना हुए कर लेता है जी। देखो ये अल पेले टांगे बाला नियोरी में तो बन्ना ले आई रे। ये दोनों की चिरकुंड दोनों की दोनों चिरकुंडे लगे रहेंगे, पर आप बस बने रहिए मेला महोत्सव के साथ। अभी चिरकुंडों को थोड़ा सा घुमा के ला दो। ओ सुन तीन नंबर छतरी पे सुन दो। सुनाई नहीं पड़ेगा वो तो साउंड है, 1200 रुपया का लाए ना। सीधे जाओ गराड़ू चाट खाने जाओ कोरा भाई की। जल्दी जाओ जल्दी जाओ, मैं तुमको कूपन दे रहा हूँ, जल्दी जाओ। तुमको सुनाई नहीं दे रहा? एक गाना और, एक गाना और। मेरी नटकटी आ, 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 आ,
भाई 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 सुन जल्दी ले जा इसको वहाँ पे ले आऊँ। हाँ जल्दी चाट पे वो कौन सी बताया आपने? पंडित जी का सूप पे लाके लाना। पंडित जी का सूप और जल्दी आ जल्दी आ। वो ऐसे बच्चों को लेके आएंगे अपन अपने। हाँ पंडित जी का सूप पिएगा। जा 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 ले जा ले जा। बस मत चलो फिर। परेशान करने आ जाते हैं बीच बीच में। चलिए आपको दिखाता हूँ एक और टैलेंट हमारी छोटी बहन का। नाम है बेटा आपका? शिफा। शिफा नाम है। अरे वाह क्या सुनाओगे? पोयम। पोयम सुनाओगे? हाँ ये हमारी छोटी भतीजी है हमारी भाईजान की बेटी। हाँ ये भी आई है। कहाँ से आए हो आप? आपका भी मतलब आपने भी सुन लिया था चूलगन होता है ना। सुनाओ क्या सुनाओगे? पोयम सुनाओ। हम्टी डम्टी से तन बोल हम्टी डम्टी ग्रेट फॉर ऑल द किंग हॉर्स ऑल द किंग मैन हम्टी डम्टी बस इतनी है। बस इतनी है। स्कूल जाते हो आप? आज किसके साथ आए हो मेले घूमने? मम्मी पापा और दादी। मम्मी पापा दादी के साथ? तो आज क्या क्या खरीदोगे मेले से? बहुत कुछ। अभी आपको ना आप मछलियों से दोस्ती करने जाना ठीक है। अंडर वाटर फेस्टिवल लगा है और बच्चों की फेवरेट मछलियाँ आई हैं। मैं आपको कूपन दूंगा तो वहाँ घूमने जाना। अभी आप रुके रहना आप करना है आपको साथ में और आपको बहुत सारे गिफ्ट भी दूंगा ठीक है। रुके रहना अभी। और गुड़िया के लिए बंस मोर किया था दादी ने। वो दादी देख रही है ना हमारी दादी बड़ी दादी। वो बौड़ापुर पे रहती हैं आनंद नगर से देख रही हैं और किला गेट से भी देख रही हैं और गुड़ीगुड़ा के नाके से भी देख रही हैं। उनने बोला है हमारी मामी जी गुड़ीगुड़ा के नाके से देख रही हैं। उनने बोला बिटिया का एक परफॉर्मेंस और कराओ। ठीक है करोगे? हाँ। एनर्जी है आप में? हाँ। पक्का? हाँ। चलिए गुड़िया का प्यारा सा परफॉर्मेंस आपको एक बार और दिखाते हैं। Baby, calm down, calm down. Yo, this your body, it puts in my heart. For lockdown, oh lockdown. Yo, you sweet like Fanta, Fanta. If I tell you, say I love you, no day for me, young girl, oh young girl. No, tell me, no, 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 oh, 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 oh. Baby, gon' give me your lo, 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 oh, 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 oh. You got me like, oh, 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 oh. Shawty gon' give me your lo, 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 oh, 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 oh. I see this fine girl for my party, she wear yellow. Every other girl they do too much, but this girl mellow. Now in my fine situation, I go use the tell her mellow. Finally I find way to talk to the girl, but she know I follow. When you gonna phone for one? When you know I phone for one? Then I start to feel a bum bum one. But she dey give me small small one. I know say she sabi pass it down one one. But she feeling insecure, cause her friends go dey come and light ching go one. Go dey come and light ching go one. एक बार जोरदार था। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम प्रकृति है। अरे बहुत अच्छा नाम है आपका तो। हाँ। प्रकृति यानी कि अपने भारत की प्रकृति है ना। तो क्या करके दिखाओगे? डांस। आज किसके साथ आए हो मेले में? मेरे मामा और मेरी नानी के साथ। मामा और नानी के साथ यानी कि आज तो ढेर सारे गिफ्ट लेके जाने वाले हो। यस। हाँ यानी कि मामा के साथ भी शॉपिंग होने वाली है और नानी के साथ भी होने वाली है। तो आप डांस करोगे? चलिए कहाँ रहते हो आप? कुशलनगर में। कुशलनगर में भी आप देख सकते हैं मोबाइल फ़ोन पर। यूट्यूब पर ग्वालियर मेला महोत्सव सर्च करना आपको आपका टैलेंट मिल जाएगा। चलिए गुड़िया का प्यारा सा टैलेंट आपको दिखाते हैं। धुमक धुमक जब हिट छे तू पहाड़ी बटोमा छम छम पायल घुंघरू बजने ग्यार फुटमा लाल ग्यार कंगना तुमे चूड़ी छनहरा लाल ग्यार कंगना तुमे चूड़ी छनहरा चुनरी तेरी आय हाय चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा हर चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा भली कड़ाई खुट मत
बचारा छपके ना भली झुली रा डीडोरो की सुट बचारा लटके ना हाँ भली सिलाई भली कढ़ाई खुद में त्यारा छपके ना भली झुली रा डीडोरो की सुट बचारा लटके ना एक जोड़ी में खर्च त्यारा 4000 एक जोड़ी में खर्च त्यारा 4000 अरे चुनरी तेरी आई हाय चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा। एक बार जोरदार तालियां गुड़िया की। और अब आप सबके लिए मॉस्क्यूट गो यानी के अब डेंगू चिकनगुनिया मलेरिया के मच्छर आपके घर में नहीं आएंगे, पक्का कह रहा हूँ मैं, बिल्कुल भी नहीं आएंगे। मॉस्क्यूट गो रुद्रा इंडस्ट्री से। हाँ, और मैं कहना चाहूँगा अगर आप भी रुद्रा इंडस्ट्री से डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो आज ही संपर्क कीजिए इस नंबर पर 8838097349। इस नंबर पर संपर्क कीजिए और डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना चाहते हैं या फिर अपनी शॉप पर इनका माल लेना चाहते हैं, यानी कि ग्वालियर की एकमात्र कंपनी है मॉस्क्यूट गो जो मच्छरों को भगाने का कार्य कर रही है और बड़ी बड़ी कंपनियों को टक्कर दे रही है। मॉस्क्यूट गो रुद्रा इंडस्ट्री से एक आपके लिए भी, एक बेटा आपके लिए रुद्रा इंडस्ट्री से, एक आपके लिए और एक बेटा आपके लिए और एक आपके लिए मॉस्क्यूट गो। हाँ, ये लगाई प्योर हर्बल है, 100% हर्बल रुद्रा इंडस्ट्री गरवाई से एक आपके लिए। और एक हमारे दूध है मीडिया कर्मी, एक भैया एक आपके लिए नहाने का साबुन। क्या बात है, खुशबू तन मन की ओर से एक आपके लिए भी है तन मन से, एक आपके लिए भी है तन मन से, एक बेटा आपके लिए तन मन से, एक बेटा आपके लिए तन मन से, एक आपके लिए और एक आपके लिए तन मन से। आपके लिए रिजुल फर्नीचर से एक आपके लिए, छतरी नंबर 7 पर लगा है रिजुल फर्नीचर। आज ही जाइए और अपना फर्नीचर बुक कराइए थोक रेट में रिजुल फर्नीचर छतरी नंबर 7 से। एक बेटा आपके लिए रिजुल फर्नीचर छतरी नंबर 7 से एक आपके लिए। और एक आपके लिए आरके प्रॉपर्टी रफीक खान साहब की ओर से एक आपके लिए भी भैया, आरके प्रॉपर्टी। और ये बच्चों को दे देना भैया। हाँ बिल्कुल, आरके प्रॉपर्टी रफीक खान साहब की ओर से। शहर की किसी भी लोकेशन पर आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, ये जो नंबर दिख रहा है आरके प्रॉपर्टी जीवाजीगंज रफीक खान साहब का, ये पर्सनल नंबर है, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। बेटा एक आपके लिए, आपने डांस बहुत शानदार किया था, LIC व्हीकल से 1,20,000 रुपये की गाड़ी मिल रही है मात्र आपको 1,00,000 रुपये में। हाँ, आज ही जाइए LIC व्हीकल पर DB City सचिन तेंदुलकर रोड पर राम वाटिका के ठीक सामने LIC व्हीकल। और एक बेटा एक आपके लिए है मॉस्क्यूट गो से एक आपके लिए। हाँ, इसको लगाना मच्छरों को, नो एंट्री बोलना, एक आपके लिए मॉस्क्यूट गो से ये। हाँ, इस बार ग्वालियर के व्यापार मेले में आया अंडर वाटर फिश टनल, अगर ये नहीं देखा तो आपने मेले में कुछ भी नहीं देखा। हाँ, और मछलियों से दोस्ती करने जाना, और वो पोयम है ना कैसे बोलते हैं, मछली जल की, जोर से बोलना, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। हाँ, एक एक और है आपके लिए अंडर वाटर पिस्टनल, आपके लिए बिल्कुल फ्री कूपन है ना, एक व्यक्ति का, एक आपके लिए अंडर वाटर पिस्टनल से, एक बेटा आपके लिए भी। ये बच्चों के लिए बहुत खास है, वहाँ सेल्फी वाली मछली भी आई है, आप ऐसे सेल्फी लेंगे ना तो पीछे से आ जाएंगी, वो सेल्फी के लिए पाउच बना लेगी। हाँ, एक आपके लिए भी है अंडर वाटर फिश टनल से एक आपके लिए। भाई साहब बहुत शानदार आया है जी, आप एक बार जाना अंदर और नॉलेज भी मिलेगी, नॉलेज वाली मछलियाँ भी हैं वहाँ पर, नॉलेज सारी मछलियों की नॉलेज मिलेगी, फ्लावर मछली भी है वहाँ पर। हाँ, एक आपके लिए भी अंडर वाटर फिश टनल से भैया, एक आपके लिए भी अंडर वाटर फिश टनल से, एक आपके लिए भी अंडर वाटर फिश टनल से। के लिए सुनील मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर टोपी बाजार से एक डाटा केबल एक आपके लिए, और आपका मोबाइल कभी ख़राब हो जाए या टूट जाए या कोई दिक्कत आ जाए तो सर्विस सेंटर से भी कम दामों में वो वहाँ पर सर्विस करके देते हैं, एक आपके लिए। और एक आपके लिए अनेजा मॉल गांधी मार्केट और मोर बाज़ार के ठीक सामने है, अनेजा मॉल से एक आपके लिए। और एक बेटा आपके लिए भी है जयपुर हाउस से, एक बेटा आपके लिए है जयपुर हाउस से, एक बेटा आपके लिए है अनेजा मॉल ग्वालियर से, एक बेटा आपके लिए भी है अनेजा मॉल ग्वालियर से, एक आपके लिए लैम्बमेंट शोरूम से, एक आपके लिए भी है लैम्बमेंट से,
और एक आपके लिए भी है लैम्बेंट। हाँ, यहाँ बच्चों के बहुत अच्छे गैजेट्स मिलते हैं। पटेल नगर सिटी सेंटर पर है लैम्बेंट का शोरूम, और बहुत सारे खिलौने भी वहाँ पर अवेलेबल हैं। 5 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक के गिफ्ट आइटम भी मिलते हैं। आपकी अगर बर्थडे हो ना, तो आप अपने दोस्तों को जो रिटर्न गिफ्ट देते हैं ना, वो भी उनके पास अवेलेबल हैं। आदित्य वर्ल्ड स्कूल SP ऑफिस के ठीक पीछे है लैम्बेंट का शोरूम। और अगर आप विजिट करने जाएंगे ना, तो आप बस नाम लेना है, मेला महोत्सव विवेक भैया ने भेजा है, तो आपको वहाँ पे गिफ्ट मिलेगा, सरप्राइजेस गिफ्ट, केवल नाम लेने पर। खरीदो या ना खरीदो, कुछ आपको नाम लेने पर भी उपहार मिलेगा। एक आपके लिए भी है लैम्बेंट से, एक बेटा आपके लिए भी है लैम्बेंट से, और एक बेटा आपके लिए भी है लैम्बेंट शोरूम से। आपके लिए भी है अनेजा मॉल ग्वालियर से, एक आपके लिए शॉपिंग कराने ले जाना भाभी को। बिल्कुल ले जाएंगे। हाँ, और जो भी खरीदारी करेंगे मेला महोत्सव का नाम लेने पर कुछ ना कुछ आपको डिस्काउंट मिलेगा। एक बेटा आपके लिए जयपुर हाउस से, और एक आपके लिए भी है अनेजा मॉल से। एक आपके लिए एक और देता हूँ आपको स्पेशल उपहार। अरे वाह, ये है आपके लिए स्पेशल। आपने डांस किया ना बहुत अच्छा। एक आपके लिए द ट्रीट कैफे से, ये हनुमान चौराहे पर है ट्रीट कैफे मयंक जैन भैया का, जाना। एक पिज्जा बिल्कुल फ्री, देखो उस पर साइन भी है पीछे, 1 पिज्जा, बड़ा सा पिज्जा आपके लिए फ्री। आप जाना और ये दिखाना, बोलना विवेक भैया ने दिया है, तो आपके लिए एक पिज्जा खाकर आना, बहुत टेस्टी पिज्जा बनाते हैं वो वहाँ पर। एक आपके लिए। और आप भी आ रहे हैं ग्वालियर के व्यापार मेले में, बच्चों की टाइमिंग 1:30 से 2:30 बजे तक, छतरी नंबर 3 पर संपर्क कर लीजिए। और बड़ों का इंटरव्यू 3:15 बजे से लेकर 3:30 बजे से लेकर 4:15 से 4:30 बजे तक संपर्क कर लीजिए छतरी नंबर 3 पर। दिखाइए अपना टैलेंट और ले जाइए ढेरों पर आज भी, यानी कि घर बैठे भी आप जीत सकते हैं ट्रॉली बैग। कुछ नहीं करना आपको, महाराज वाले का टेम्पू पकड़ना है या गाड़ी में बैठना है, सीधे पहुंचना है कोहिनूर ओजरी के ठीक पास में गर्ग साड़ी कलेक्शन, जाइए वहां से जानकारी लेकर आइए, मुझे आकर बताइए, या फिर जो अच्छा टैलेंट करेगा उसको मिलेगी ये शानदार ट्रॉली। चलिए अब यहां से सीधे चलते हैं छतरी नंबर 3 पर, देखते हैं कि आज कौन कौन सा टैलेंट आया है अपना टैलेंट दिखाने के लिए मेला महोत्सव 2024 में।
दोस्तों मेला महोत्सव की गाड़ी पहुंच चुकी है डीवी सिटी रोड पर LIC व्हीकल के प्यारे से शोरूम पर, और आज हम भी खरीदने आए हैं गाड़ी, यानी कि हमारा रेंचो को भी पसंद आ चुकी है LIC की ई व्हीकल। हाँ, आज तो मैं भी लेने आया हूँ LIC की ई व्हीकल। तो रेंचो आज गाड़ी खरीदने आए हो आप? हाँ। गाड़ी इतनी पसंद आई? गाड़ी तो पसंद आई, और गाड़ी के साथ जो ऑफर मिल रहा है वो भी तो शानदार है। 32 इंच का LED, लाजो खुश हो जाएगी। लाजो खुश हो जाएगी? हाँ, वो सास बहू के सीरियल देखेगी LED पर, और बच्चों के लिए Alkaline वाला पानी, LS का RO भी फ्री, यानी कि 1,20,000 रुपये की गाड़ी, और गाड़ी के साथ 80,000 रुपये का सीधा डिस्काउंट। हाँ, ये बात तो है। तो रेंचो, कौन सी वाली गाड़ी पसंद आ रही है आपको? हाँ, मैं देखता हूँ पहले। हाँ, मैंने तो पसंद कर ली है अपनी गाड़ी। आपने पसंद कर ली है? हाँ, ये वाली मेरी पसंद हो चुकी है, ये वाली गाड़ी LIC ई व्हीकल की, और बड़ी शानदार गाड़ी है, और इसको आज मैं लेने भी वाला हूँ। अच्छा, लेने वाले हो? हाँ, बड़ी सी की तैयार है, मेरी तो बात हो गई थी पटेल साहब से। पटेल साहब से बात हो गई थी डायरेक्ट? हाँ, ये वाली गाड़ी आज मैं लेने वाला हूँ। अच्छा, तुम लेने वाले हो, यानी कि अपन दोनों? हाँ। तो फिर अपन दोनों इसी पर चला करेंगे। गाड़ी आती है चलानी? हाँ, गाड़ी आती है चलानी, बहुत शानदार चलाता हूँ। तुझे क्यों रखा है मैंने ड्राइवर? अच्छा, मैं चलाऊँगा। हाँ, मैं चला लूँगा यार, ये तो ये वाली गाड़ी बड़ी शानदार है। तो इसमें तो इलेक्ट्रॉनिक मीटर भी दिया गया है। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक मीटर है, और साथ में बैक गियर भी है, यानी कि ये बैक भी हो जाती है। हाँ, ऑटोमेटिक बैक हो जाती है, और साथ में इसमें डिग्गी का स्पेस भी काफ़ी अच्छा है, और ये साथ में देखो, यानी कि मियाँ बीवी और हमारे दोनों बच्चे आराम से यहाँ पे बैठ जाएंगे, या फिर हम जा रहे हैं कहीं पे घूमने तो सामान भी आराम से आ जाएगा। तो मुझे तो ये गाड़ी पसंद आई है। चलिए, अब मैं चेक दे दूँ। अरे, चेक या कैश? कैश और चेक दोनों लेकर आया हूँ, सर को देता हूँ और फिर ये गाड़ी लेता हूँ। तो दोस्तों, हमने तो ले ली है अपनी शानदार गाड़ी, यानी कि LIC की ई व्हीकल। आप कब आ रहे हो शोरूम पर? राम वाटिका के ठीक सामने और डीवी सिटी रोड पर, सचिन तेंदुलकर रोड पर स्थित है LIC व्हीकल का ये प्यारा सा शोरूम। तो दोस्तों, हमने तो ले ली है अपनी गाड़ी। अगर आप भी आना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो आइए। डीवी सिटी रोड पर राम वाटिका के ठीक सामने है LIC व्हीकल का ये शानदार शोरूम। आइए और अपनी सपनों की गाड़ी को, यानी कि अपने अरमानों को और अपने सपनों को पंख लगाइए LIC व्हीकल के साथ। आइए, और शानदार ऑफर चल रहा है, इस ऑफर का फायदा उठाइए। सीधा 80,000 रुपये का डिस्काउंट हमने ले लिए, आप भी आइए यहाँ पर। मेला महोत्सव की गाड़ी पहुंच चुकी है छतरी नंबर 2 पर वोल्टास कंपनी और रवि इलेक्ट्रॉनिक के और बसंत सेल्स के शोरूम पर। वोल्टास इंडियन प्रोडक्ट, मेड इन इंडियन प्रोडक्ट, टाटा का प्रोडक्ट। अगर आप लेना चाहते हैं वोल्टास, तो आइए छतरी नंबर 2 पर। चलिए, आपको लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ आपको वोल्टास की AC ने धूम मचा के रखी है ग्वालियर के व्यापार मेले में। आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर वोल्टास के AC, जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, और यहाँ पे बिग ऑफर चल रहा है सीधा, यानी कि 5,000 से 7,000 रुपये का सीधा डिस्काउंट चल रहा है AC पर। आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। अगर आप अभी बुक कराना चाहते हैं, तो आइए और अपना पसंदीदा AC घर लेकर जाइए, और साथ में यहाँ पर वाटर कूलर भी अवेलेबल है। आपके पास कंपनी है, या फिर आप अपने घर में लगाना चाहते हैं, या फिर अपना हॉस्पिटल में, तो वोल्टास के, या कोचिंग सेंटर में वोल्टास के वाटर कूलर भी
यहाँ पर अवेलेबल हैं। और साथ ही मेला डिस्काउंट चल रहा है, हैवी डिस्काउंट चल रहा है। हैवी डिस्काउंट का अगर फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आइए ग्वालियर के व्यापार मेले में वोल्टास कंपनी के शोरूम पर। और ये पैक हो चुका है, ये जा रहा है दतिया और ये जा रहा है डबरा, यानी कि डबरा और दतिया के दर्शकों ने बुकिंग कराई है। हाँ, आप जो लोग इतना प्यार दे रहे हैं। और ये एसी जा रहा है दतिया, यानी कि फ्रिज के साथ एसी भी जा रहा है दतिया, और ये वॉशिंग मशीन जा रही है डबरा। अगर आप लेना चाहते हैं, यानी कि हैवी डिस्काउंट चल रहा है, जो लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, आप आइए क्योंकि आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है। और अगर मेला महोत्सव का नाम लेते हैं तो आपको स्पेशल डिस्काउंट दिया जाएगा यहाँ पर। आइए वोल्टास इंडियन प्रोडक्ट को अपने घर का सदस्य बनाइए और आज ही आइए, यानी कि अब बचा है मेला मुश्किल से 25 फरवरी तक, यानी कि आज से 10 से 11 दिन का मेला बचा हुआ है। तो आइए, मेले के सारे फायदे आपको मिलेंगे वोल्टास कंपनी के शोरूम पर, छतरी नंबर 2 पर 7 पर रिजुल फर्नीचर और फर्निशिंग के शोरूम पर। और इस वक्त मैं बैठा हुआ हूँ ग्वालियर मेले की सबसे, हाँ यानी कि सबसे बेहतरीन डाइनिंग टेबल, यानी कि यहाँ पर कई सारे डिजाइन में डाइनिंग टेबल यहाँ पर अवेलेबल है और मात्र 33,000 रुपए से स्टार्टिंग प्राइस है। 2 लाख रुपए तक की डाइनिंग टेबल यहाँ पर अवेलेबल है। और अभी इस वक्त मैं बैठा हूँ ये शानदार डाइनिंग टेबल पर। और एक और ये वाली जो डाइनिंग टेबल आप देख रहे हैं, ये आपके घर के बाहर पार्क में, हाँ आपके घर के गार्डन में बड़ी शानदार, यानी कि सुबह की चाय अखबार पढ़ते हुए अपने फैमिली मेम्बर के साथ, अपने मिलने जुलने वालों के साथ चाय नाश्ता कीजिए, ये भी यहाँ पर अवेलेबल है। और साथ में फर्निशिंग का सामान पूरा अवेलेबल है। और सेंटर टेबल जो आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, सेंटर टेबल भी यहाँ पर अवेलेबल है अल्टीमेट डिजाइन के साथ। ये है रिजुल फर्नीचर फर्निशिंग का ये शोरूम। अगर आप लेना चाहते हैं अच्छी डाइनिंग टेबल या फर्निशिंग का सामान, पर्दे या वॉलपेपर या फिर यहाँ पर ब्लैंकेट के भी कई सारे डिज़ाइन यहाँ पर अवेलेबल हैं, और पर्दों की यानी कि कैटलॉग में पसंद कीजिए और अपना पर्दा यानी कि कारीगरों द्वारा, कुशल कारीगरों द्वारा उनको तैयार किया जाता है आपके रूम के हिसाब से, आपके इंटीरियर के हिसाब से। अगर आप फर्निशिंग का सामान लेना चाहते हैं तो आइए, छतरी नंबर 7 पर है रिजुल फर्नीचर और फर्निशिंग का ये शोरूम। आइए और अपना पसंदीदा प्रोडक्ट अपने घर लेकर जाइए, छतरी नंबर 7 पर रिजुल फर्नीचर और फर्निशिंग का ये शोरूम। सबकी टीम पहुंच चुकी है छतरी नंबर 3 और कश्मीरी गेट के ठीक बीच में डाइकन रवि इलेक्ट्रॉनिक का ये शोरूम। चलिए आज आपको जानकारी देते हैं डाइकन के एसी की। चलिए दोस्तों, आज आपको जानकारी देते हैं 3-स्टार एसी की। जी सर नमस्कार। सर जी, अपना डाइकन का 3-स्टार एसी है, इन्वर्टर एसी। इसके अंदर जो आपको फीचर्स बता देंगे, सबसे पहले तो मैं ऑफ़र की बात करता हूँ। अपना जो 3-स्टार एसी है वो अभी बहुत ही अच्छे ऑफ़र के साथ चल रहा है। शोरूम प्राइस से अपना सीधा सीधा 4 से 5 हज़ार रुपये का इस पर डिस्काउंट चल रहा है। जो हमने यहाँ पर MRP लगा रखी है, उस MRP पर जो हमने डिस्काउंट प्राइस लगा रखी है, उससे भी हम एडिशनल डिस्काउंट करके दे रहे हैं सभी को। और इसके अंदर जो फीचर्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इसमें जो वारंटी है सर, वो 10 ईयर वारंटी आती है अपनी कंप्रेशर पे, और 5 साल की वारंटी आती है अपनी PCB पे। PCB इसमें भी रहता है और इसमें भी रहता है। 1 साल की वारंटी आती है कंप्लीट। इसके बाद आपको 1 साल के अंदर 2 सर्विस भी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है, जिसका कस्टमर से कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। दूसरा सर, इसके अंदर जो फीचर्स है वो आपको डिस्प्ले वाला मॉडल है, डिस्प्ले में भी आपको यहाँ पर टेम्परेचर शो करेगा। और एक और एडिशनल फीचर्स ऐड है इसके अंदर, 4-way स्विंग भी करेगी हमारी मशीन, जो वर्टिकल भी स्विंग करेगी और हॉरिजेंटल भी स्विंग करेगी। और बात करते हैं वारंटी की। बिल्कुल सर, वारंटी का जैसे कि मैंने पहले भी बता दिया, इसमें जो वारंटी है वो अपना 10 साल की वारंटी आ रही है कंप्रेसर पे, 5 साल वारंटी आ रही है अपनी PCB की, जो मेन पार्ट होता है एसी के अंदर, जो जिसकी कॉस्टिंग आती है करीबन 8 से 9 हज़ार रुपये की। 8 से 9 हज़ार, बिल्कुल सर। उसको कंपनी 5 साल के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट कस्टमर के यहाँ चेंज करा के देगी, उनका एक भी पैसा नहीं लगेगा। और डिस्काउंट क्या? डिस्काउंट सर इस पर काफ़ी अच्छा चल रहा है।
ये मान के चलिए यही शोरूम का रेट है, इसी के अंदर हमारे सीधे सीधे 5,000 का एडिशनल डिस्काउंट चल रहा है। 5,000 बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, शोरूम पे आप टाई करके देखें इस एसी का प्राइस, उसमें आपको 5,000 का डिस्काउंट के साथ मेले में मिल रहा है। तो दोस्तों कहना चाहूँगा, अगर आप एसी लेने का विचार बना रहे हैं तो आइए ग्वालियर के व्यापार मेले में, छतरी नंबर 3 और कश्मीरी गेट के ठीक बीच में है रवि इलेक्ट्रॉनिक डाइकिन का ये शोरूम। सीधे सीधे 5,000 रुपये का सीधे सीधे डिस्काउंट मिल रहा है आपको। आइए छतरी नंबर 3 और कश्मीरी गेट के ठीक बीच में है रवि इलेक्ट्रॉनिक डाइकिन का ये शोरूम। दोस्तों मेला महोत्सव की टीम पहुंच चुकी है छतरी नंबर 2 और 3 के ठीक बीच में है मैड्स गूगल टीवी का ये शोरूम। चलिए आपको दिखाते हैं, गूगल टीवी ने धूम मचा कर रखी है ग्वालियर के व्यापार मेले में। और मेरे साथ में गुंजन भैया यहाँ पर मौजूद है। भैया मैड्स ने क्यों धूम मचा कर रखी है ग्वालियर के व्यापार मेले में गूगल टीवी ने? एक्चुअली जर्मन का ब्रांड है ये और मैन्युफैक्चरर ब्रांड है, काफ़ी बड़ा ब्रांड है। जैसे कोई नया कस्टमर हमारे पास आता है, देखता है तो थोड़ी देर वो देखता रह जाता है कि यार ये मैट्स ठीक है, नया ब्रांड है, लेकिन जब देखता है तो क्वालिटी, जो क्वालिटी है, क्वालिटी देखो मेले में नेट की थोड़ी प्रॉब्लम रहती है और उसके बाद भी हाँ, तो नहीं अपन ने वाईफाई लगा रखा है, लेकिन अपना क्या है, जैसे अगर कोई वीडियो भी अगर जिसका डाउन क्वालिटी होती है तो हमारा जो प्रोसेसर है उसको इन्हेंस करके क्वालिटी को और बेटर करता है, कलर कॉन्ट्रास्ट ये सारी चीज़ें बढ़ा देता है, ये चीज़ इसमें मिल जाती है। ऊपर से इसमें अपनी कंपनी ने क्या है, अपना पेटेंट है अपनी कंपनी का, फ्लिकर फ्री और लो ब्लू लाइट, ये सिर्फ अपनी ही कंपनी का वो है और सर्टिफाइड है, ये अपनी आँखों को हार्म करने से बचाता है, इसलिए इसको आई केयर टीवी भी बोलते हैं। आई केयर टीवी भी जी, बोलते हैं, यानी कि आंखों की रक्षा करता है जी जी ये। और कौन कौन से डिजाइन मतलब कलर उसमें अवेलेबल है साइज में? ये इसमें अपने पास स्टार्टिंग हो जाएगा 32, 43, 50, 32, 43, 50, 65, 75 ऐसे अपने पास। और ग्वालियर मेले की सबसे बड़ी एलईडी अपने पास 75 लगी हुई है। 75 जी। तो भैया क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से जो अभी तक नहीं आए और जो गूगल टीवी लेना चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि अगर आप मेले में आ रहे हैं तो एक बार विजिट ज़रूर करें कि मैट्स टीवी है क्या, उसको समझें प्रॉपर, हमसे डेमो लेके जाएं कि टीवी में क्या क्वालिटी है और मैट्स क्या है। ये अपना बड़ा ब्रांड है, जर्मन का ब्रांड है, मैन्युफैक्चरर ब्रांड है ये, तो एक बार आएँ और मेले में एक बार। प्राइस कितने से अपने यहाँ? देखिए सबका साइज़ के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, जैसे कि 32 में 3 साइज़ हैं, 43 में 3 साइज़ हैं, 55 में भी अपने पास 2 साइज़ हैं। ऐसा स्टार्टिंग प्राइस कितना? 32 में स्टार्टिंग साइज़ अपना इस हाँ 10,500 से शुरू होता है, वो बेसिक मॉडल है, बेसिक मॉडल है। स्मार्ट में आते हैं तो फिर अपना 13,000 से शुरू हो जाता है, 13,000 से स्टार्ट। और अगर गूगल टीवी में आएंगे तो 17,000 से शुरू हो जाता है, गूगल टीवी 17,000 से जी स्टार्ट जी जी। यानी कि 10,500 रुपए से एलईडी की रेंज चालू है यहाँ पर जी। हाँ दोस्तों, अगर आप एलईडी लेने का सोच रहे हैं तो आइए ग्वालियर के व्यापार मेले में, धूम मचा के रखी है मैड्स कंपनी ने गूगल टीवी ने, मात्र 10,500 रुपए से स्टार्टिंग प्राइस है और गूगल टीवी की प्राइस है 17,000 रुपए से। और अगर हाँ आप अगर मेला महोत्सव का नाम लेकर आते हैं, सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं फेसबुक इंस्टाग्राम यूट्यूब पर अगर नाम लेकर आते हैं तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। आइए ग्वालियर के व्यापार मेले में, छतरी नंबर 3 और 2 के ठीक बीच में है मैड्स गूगल टीवी का ये शोरूम। आइए और अपना पसंदीदा टीवी अपने घर लेकर जाइए और अपने फैमिली मेंबर के साथ में एंजॉय कीजिए अपने पसंदीदा कार्यक्रम को। मेला महोत्सव की गाड़ी पहुंच चुकी है छतरी नंबर 3 पर और आज भी ढेरों सारे टैलेंट लेकर आया हूं। बोलो भगवान श्री रामचंद्र की, बालाजी महाराज की, बोल हारे के सहारे की। और देखते हैं कि आज कौन जाता है खाटू, यानी कि 20 तारीख को जाने वाली है श्री श्याम सेवा संगठन, लेकर जा रहे हैं आशीष गुप्ता जी पूरी बड़ी वाली बस। हाँ 20 तारीख को, यानी कि 19 तारीख तक टिकट वितरित किए जाएंगे, यानी कि पब्लिक भी जीत सकती है टिकट, खाटू टिकट, एक नहीं दो नहीं तीन तीन टिकट बटने वाले हैं। अगर आप भी हैं खाटू प्रेमी तो आ जाइए, आना जाना बिल्कुल फ्री एक व्यक्ति का। आज देखते हैं कौन ले जाता है टिकट। चलिए शुरुआत करते हैं बाबा श्री श्याम का नाम लेकर एक प्यारे से भजन से। क्या नाम है आपका? रेखा बंसल। रेखा बंसल जी क्या सुनाएंगे? खाटू श्याम का बाबा का भजन सुनाएंगे।
दो दिल के बदले मैं 30 दिनों तक मौज करूं, अपने भजनों से ठाकुर जी सेवा रोज करूं। रहता है तू सदा भक्तों के वश में, हाजिरी लगवाता हूं हर ग्यारस पे, हाजिरी लगवाता हूँ हर ग्यारस में। बाबा श्याम की, कहाँ रहते हैं आप? जीवाजीगंज में। अभी आप रुके रहिएगा, आपके लिए भी उपहार है। अभी आप खाटू हुआए आप? हाँ। जो खाटू नहीं जा रहे हैं ना, उनके लिए पर डे के पर डे 1 से 2 टिकट मैं दे रहा हूँ। पब्लिक में भी चले जाते हैं, या फिर बाबा से जो जुड़ना चाहते हैं, जो खाटू नहीं गए हैं आज तक, आशीष गुप्ता जी की ओर से आज देखते हैं पब्लिक। कल तो आंटी जी जीत कर ले गई। अच्छा। उन्होंने अच्छा टैलेंट दिखाया था, और 2 दिन से पब्लिक भी जीत रही है। आज देखते हैं कौन जीत के ले जाता है। क्या नाम है गुड़िया आपका? अंकिता टंडन। क्या सुनाएंगे? भजन। भजन सुनाएंगे। ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान, जब से तुम संग मैंने अपने नैना जोड़ लिए हैं, क्या मैया क्या बाबुल सबसे रिश्ते तोड़ दिए हैं। तेरे मिलन को व्याकुल है ये कब से मेरे प्राण, मधुर सुना दो तान। बहुत बढ़िया। कहाँ रहते हो गुड़िया आप? मुरार। मुरार में। अभी आप भी रुके रहिएगा, आपके लिए भी उपहार है। क्या नाम है गुड़िया आपका? ललिता कुशवाहा। रीता कुशवाहा। कहाँ रहते हो? ललिता कुशवाहा, मुर्गी फार्म। मुर्गी फार्म देख रहे हो प्रोग्राम? हाँ, तो सुनाइए क्या सुनाएंगे। क्यों भीग गए मैया खड़ी खड़ी, क्यों भीग गए मैया खड़ी खड़ी, मेरी छतरी के नीचे आजा, मेरी छतरी के नीचे आजा, तेरे माते के बिंदिया भीग गए, तेरे माते के बिंदिया भीग गए, बेंदे की भीग लड़ी लड़ी, बेंदे की भीग लड़ी लड़ी, क्यों भीग गए मैया खड़ी खड़ी, क्यों भीग गए मैया खड़ी खड़ी, मेरी छतरी के नीचे आजा, मेरी छतरी के नीचे आजा, क्यों भीग गए मैया खड़ी खड़ी, तेरे हाथों के कंगन भीग गए, तेरे हाथों के कंगन भीग गए, चूड़ी की भी लड़ी लड़ी, चूड़ी की भी लड़ी लड़ी, मेरी छतरी के नीचे आजा। बहुत बढ़िया, बोलो माता रानी की। और एक और मेरे साथ टैलेंट यहाँ पर मौजूद है, क्या नाम है? समीर चौरसिया जी, आइए आइए, एक बार जोरदार तालियां हो जाए समीर चौरसिया जी के लिए। क्या हो गया, नहीं आया समझ में? कुछ नहीं हुआ, मैं भी आ गया ना। क्या क्या, ये कौन है आपके? ये चाचा के लड़के हैं मेरे। चाचा के? और क्या भैया, चाचा के लड़के नहीं है तो मेरे बड़े भैया हो ना? नहीं। अरे यार झूठ क्यों बोल रहे हो? अरे तो मेरे इलाके बार मैंने तुम्हें सूप पिलवाया था। अरे यार ऐसा मत ही बोलो, झूठ बोलो। चाचा के लड़के, एक मिनट, उनका टैलेंट देख ले। ओके अभी देख लेना। तो तुम जल्दी ऐसा काम करो, मैं पंडित जी की सूप पी के आता हूँ जब तक। चलो जल्दी जाओ। क्या सुनाएंगे? राम जी का भजन। ठीक है। सिया राम मेरी आंखों के तारे हैं प्रभु राम, बोलो जय जय सिया राम, युग राम राज का आ गया, शुभ दिन आज का आ गया, हुई जीत सनातन धर्म की, हर घर भगवा लहरा गया, जागा है वज का भाग जी, गूंजा है विनय का राग जी, योगी संतों की अकियों से छलका है प्रेम अनुराग जी, सज धज के सबसे न्यारे मेरे राम, बोलो जय जय सिया राम, मेरी आंखों के तारे हैं प्रभु राम, बोलो जय जय सिया राम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और क्या सुनाएंगे? बस बस। और चलिए, एक हमारे छोटे भाई आए हैं, हमारे दूर के मामा के मामा के मामा के मामा के लड़के। क्या नाम है आपका? आयुष प्रजापति। आयुष प्रजापति, हाँ, हमारे सुंदर मामा के और उनके मामा, मतलब सुंदर मामा के मामा, घमंडी मामा और घमंडी मामा के मामा, यानी के बुद्धन मामा और बुद्धन मामा के मामा, उनके लड़के आए हैं ना? हाँ। लड़के आए कि लड़के आए? नहीं लड़के आए हैं। अच्छा, तो क्या करके दिखाओगे? डांस। सही बताओ। हाँ। सही बताओ। सही बता रहा हूँ। कितना करोगे, इतना करोगे कि इतना सारा करोगे? इतना सा करूँगा। इतने तो करोगे? हाँ। सही बताओ। हाँ, ये मल्टी टैलेंटेड है। हाँ, क्या हो गया, नहीं आई समझ में? पक्का
मैं तो कह ही रहा हूँ अभी समझ में नहीं आएगा, ये मेला महोत्सव की गाड़ी है। फेसबुक पेज पर 10 मिनट फेसबुक चलाइए, यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं अगर आप मोबाइल चलाते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर। उनके लिए एक बड़ा सा उपहार है, जो सबसे पहले तीनों पेजों पर कर लेगा उसके लिए उपहार है। और जितने मोबाइल हैं, जितने लोग मोबाइल चलाते हैं, अगर सब सब्सक्राइब करेंगे तो सबके लिए उपहार है ग्वालियर मेला महोत्सव की ओर से। चलिए दिखाते हैं हमारे मामा के लड़के का प्यारा सा टैलेंट डांस। डांस कौन सा वाला करो, ये वाला करो, ये वाला करो, बैप बैप। ये कौन सा डांस होता है बैप? ये वाला। एक मिनट मैं आंटी जी से पूछता हूँ। आंटी जी डांस बैप को डांस कौन सा होता है, आपको आया? नहीं, अपन अपन ने तो कोई सुने हैं, बारात वाले, नागिन वाले, या पे बॉलीवुड है ना अम्मा? अब नागिन को चल गया, नहीं परफ्यूम का चल गए, नहीं ये वो लड़का बोल रहा है, ये मोड़ा मामा का मोड़ा कह रहा है वो बैप, तो बाको करवा दो, देख लेंगे। चलो देखते हैं इनका बैप डांस। हिप हॉप है, हिप हॉप और बैप। चलिए आपको दिखाते हैं नए जमाने का नया डांस, हिप हॉप और बैप। के अलावा किसी से भी ना हमने इजाजत ली है। हुनर है ये भी इश्क का, किसी किसी को आता है, जान लुटा के दुश्मन की हमने हिफाजत की है। बात करते हैं हजारों, है तजुर्बा हम यारों, हजारों है तजुर्बा हम यारों, ऐसी है बांध लूं मुझ पे वो झूमे जो पठान, मेरी जान महफिल ही लुट जाए, दे दे जो जुबान, मेरी जान उस पे मर मिट जाए। एक बार जोर दे, और ये है टैलेंट के लिए, हाँ जो टैलेंट में डांस करने चाहते हैं उनके लिए ये साड़ी है। हाँ कल जैसे दादी जी आई थी, 65 वर्ष की उम्र थी, क्या डांस किया उन्होंने, लाजवाब। आप देखेंगे तो देखते रह जाएंगे उनके परफॉर्मेंस को। अगर अभी भी कोई रह गया है या आप में से कोई परफॉर्मेंस करना चाहता है तो बता दीजिए, और ले जाइए अनेजा मॉल की ये शानदार स्टॉली, या फिर कुछ ऐसा टैलेंट कि मैं मजबूर हो जाऊं ये ट्रॉली बैग, शानदार ट्रॉली बैग उनका हो जाए। चलिए एक प्यारा सा भजन सुनते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मधुमरिया है। मधुमरिया, हाँ। कहाँ रहते हैं आप? हम सिकंदरकमपुर रहते हैं। सिकंदरकमपुर, हाँ। रहते हैं। क्या सुनाएंगे? खाटू श्याम जी का भजन, बाबा श्याम का भजन, हाँ। सुनाएंगे। बोलो हारे के सहारे की, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला, कोई क्या रोके इस दर से जो मैंने पाया है, जिसको तरसे जन्नत सारी मेरे सिर पर तो वो साया है, अब रूप धार कर आया है, अब रूप धार कर आया है, उनमें रब का दीदार मिला, जिसको तरसे जन्नत सारी मेरे सिर पर तो वो साया है। बहुत बढ़िया, और कुछ सुनाएंगे भजन? एक और भजन है सुनाइए। एक तू ही मेरा जग बेगाना, कन्हैया मेरी लाज रखना, मैंने सब कुछ तुम्हें को ही माना, कन्हैया मेरी लाज रखना,
जीवन सफर में जब भी मैं हारूं तब मैं कन्हैया तुमको पुकारूं। माधव रुक ना जाना करके बहाना, कन्हैया मेरी लाज रखना, एक तू ही मेरा जग बेगाना। कन्हैया मेरी लाज रखना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप डैन पे देख रहे हैं या GTPL पे? अभी तो किसी पे नहीं देखा। अच्छा, YouTube पर देखा आपने? हाँ, YouTube पर। हाँ, YouTube पर भी कई दर्शक दूर दूर तक देख रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बेबी खान। क्या नाम है? बेबी खान। बेबी खान, मैं तो बोल ही रहा हूँ, हाँ चूल का नौता है। आज हमारी पप्पी आई है अपना टैलेंट दिखाने के लिए। कहाँ रहते हैं आप? आनंद नगर। आनंद नगर, तो क्या सुनाएंगे बेटा? क्या क्या घूमा? अम्मी ने कुछ दिलवाया कि नहीं दिलवाया? क्या क्या दिलवाया? फुटबॉल दिलवाई है, सॉफ्टी दिलवाई है। चलिए, मेला महोत्सव में आज क्या सुनाएंगे? सुनाओ। तकदीर मुझे ले चल खोजा की बस्ती में, खोजा अजमेर मुझे जय चल खोजा की बस्ती में। बहुत बढ़िया, अभी आप रुके रहिएगा, आपके लिए भी उपहार है मेला महोत्सव की ओर से। एक और छोटा टैलेंट दिखाते, पर मैं बताना चाहूँगा बच्चों की टाइमिंग 1:30 से 2:30 बजे तक है, पर हम छोटी बहन को निराश नहीं करेंगे। क्या बात हो गई? 2 मिनट का नहीं तो 1 मिनट का ले लेंगे, 1 मिनट का नहीं तो 40 सेकंड का परफॉर्मेंस ले लेंगे, पर गुड़िया का परफॉर्मेंस दिखाएंगे। और डांस अच्छा किया ना तो फेसबुक पेज पे अलग से मिलेगा आपको टैलेंट, ठीक है? क्या नाम है आपका? काजल जैसवानी। काजल जैसवानी, कहाँ रहते हो आप? हाँ, कमल सिंह का बाग। कमल सिंह का बाग। चलिए, हमारी छोटी भतीजी जाने के हमारे भैया की भाभी जी की बेटी आई है। बहुत दूर वाला रिश्ता है, पर ये अपना टैलेंट दिखाएंगी आप ही के अपने वाले प्रोग्राम मेला महोत्सव 2024 में। मुझको हुई न खबर, चोरी चोरी छुप छुप कर तालियां छोटी बहन के लिए। जो नेहा माहौर क्या सुनाएंगे? भजन सुना। राहों में फूल बिछाऊंगी जब राम मेरे घर आएंगे, राहों में फूल बिछाऊंगी जब राम मेरे घर आएंगे, मैं चुन चुन कलियां लाऊंगी हाथों से हार बनाऊंगी, मैं उनको हार पहनाऊंगी जब राम मेरे घर आएंगे, राहों में फूल बिछाऊंगी जब राम मेरे घर आएंगे। बहुत बढ़िया। और कोई सॉन्ग? चलिए, अभी मैं आपको भी उपहार दूंगा। क्या नाम है बेटा? अंकुर चौरसिया। अंकुर चौरसिया जी, चौरसिया जी कहाँ से आए? गोलपाड़िया से। ले गो, मैं रोज बोल रहा हूँ, सबका चूल का नौता है गोलपाड़िया, बड़ापुर,
आम को कंपू अवाड़पुरा सबका चूल का नौता है, बस आना यहीं पे चूल के नौता। नौते की जगह भी तो बता दूं मैं आपको, ये तो पता पड़ा इधर उधर भटकते रहो। नौते की जगह भी है छतरी नंबर 3, आइए। और भंडारा चल रहा है अभी तो, हाँ 28 तारीख तक भंडारा है ग्वालियर मेला महोत्सव का। आइए और अपना टैलेंट दिखाइए, आप ही के अपने वाले प्रोग्राम मेला महोत्सव 2024 में। और फेसबुक पेज पर, यानी के जो भी ग्वालियर में फेसबुक पेज चला रहा है, जो भी चला रहा है उस पर ग्वालियर मेला महोत्सव के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा है। आप देख सकते हैं ग्वालियर मेला महोत्सव ऐसा ही है। हाँ सुनाइए, क्या सुनाइए? लोकगीत। लोकगीत, अरे लोकगीत अच्छा बताओ। आया, ये हमारे फूफा के लड़के हैं, बहुत दूर से आए हैं। और हमारे दादाजी भी आए। दादाजी नमस्ते। थैंक यू। दादाजी नमस्ते। भगवान कहाँ से आए हैं दादाजी? डबरा से। डबरा से? हाँ। अरे डबरा से आए दादाजी, तो डबरा में रहते हैं दादाजी? संत कंवर स्कूल के पास रहते हैं। अच्छा, मैं भी बितरवार गई हूँ। ओहो क्या बात है, क्या बात है। अभी आप रुके रहना, आपके लिए भी उपहार है मेला महोत्सव की ओर से। पर उससे पहले ये फूफा का लड़का आया है, पहले इनको निपटाओ। ये फूफा नहीं, निपटाओ नहीं, नहीं मतलब फूफा से मतलब, हाँ रिश्तेदार है तो पहले उसका ख्याल करना। नहीं इनका वो करना, नहीं तो फूफा रूट गए तो फिर हमारे घर नहीं आएंगे। अपने घर भी नहीं आएंगे और अपना नुकसान करेंगे। मड़वा कौन गाड़ेगा? वही तो कह रहा हूँ, ये भी दिक्कत है। चलो चलिए दिखाते हैं हमारे फूफा के लड़के का टैलेंट, बहुत सारा टैलेंट है। और फूफा जी देख रहे हो ना? हाँ नहीं, फूफा जी अगर रूट गए तो फिर मड़वा कौन गाड़ेगा? हाँ, और फूफा एक ऐसा व्यक्ति होता है जो सबसे पहले अपनी बारात लेके जाता है, मान धान होते हैं, थैली बंद होते हैं। हमारे फूफा के लड़के आए हैं, सुनाइए। ऐसा बुढ़ापा आया रे, दगा दे गई जबानी। ऐसा बुढ़ापा आया रे, दगा दे गई जबानी। दे गई जवानी दगा, दे गई जवानी, दे गई जवानी दगा, दे गई जवानी। ऐसा बुढ़ापा आया रे, दगा दे गई जवानी। देखिए बुढ़ापा कैसे आता है। पहला बुढ़ापा मेरे बालों पर आया, पहला बुढ़ापा मेरे बालों पर आया। बालों पर आया मेरी जुल्फों पर छाया, बालों पर आया मेरी जुल्फों पर छाया। मेहंदी ने लाज बचाई रे, दगा दे गई जवानी। ऐसा बुढ़ापा आया रे, दगा दे गई जवानी। दूजा बुढ़ापा मेरी आँखों पर आया, दूजा बुढ़ापा मेरी आँखों पर आया। आँखों पर आया मेरे नैनों पर छाया, आँखों पर आया मेरे नैनों पर छाया। चश्मे ने लाज बचाई रे, दगा दे गई जवानी। ऐसा बुढ़ापा आया रे, दगा दे गई जवानी। ऐसा बुढ़ापा आया रे, दगा दे गई जवानी। वाह 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 वाह, एक बार जोरदार तालियां हो जाए फूफा के लड़के के लिए। और कोई? दो लाइन और रह गई थी। अरे और कोई? एक हास्य कविता है। हास्य कविता सागा आदर्श कवि की है, सुनाइए। कि फादर ने बनवा दिए 3 कोट 6 पैंट, फादर ने बनवा दिए 3 कोट 6 पैंट। लल्लू मेरा बन गया कॉलेज स्टूडेंट। अच्छा। कॉलेज स्टूडेंट हुए हॉस्टल में भर्ती, दिन भर इमरती चरें शाम को, दिन भर बिस्कुट चरें शाम को खाए इमरती। अच्छा, दिन भर बिस्कुट चरें और शाम को खाए इमरती। कहे काका कबीर आए, बुद्धि पर डाली चादर, मौज कर रहे पुत्र हड्डियाँ घिसते फादर। पढ़ना लिखना व्यर्थ है, दिन भर खेलो खेल, होते रहो 2 साल तक फर्स्ट ईयर में फेल। फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर में फेल। जेब में कंघा डाला, लगा दिए कमरे का ताला, चल दिए साइकिल से। कहे कविराय गेट कीपर से लड़कर, कहे काका कविराय गेट कीपर से लड़कर, मुफ्त सिनेमा देखें सीट पर बैठे अड़कर। ये एक राम जी का भजन है, सुनाइए सुनाइए। कागज की नैया है राम के सहारे, मेरी कागज की जय हो। मेरी कागज की नैया है राम के सहारे,
चली जा रही है किनारे किनारे, चली जा रही है किनारे किनारे, उसी नैया में रामा जी बैठे, रामा जी बैठे, रामा जी बैठे, रामा जी बैठे संग लक्ष्मण जी बैठे, रामा जी बैठे संग लक्ष्मण जी बैठे, सीता भी भैया सीता जी बैठी है राम के सहारे, चली जा रही है किनारे। बहुत बढ़िया, अभी आप रुके रहे ना, अभी आपके लिए भी उपहार, एक बार जोरदार तालियां हो जाए भैया के लिए। क्या नाम है बेटा आपका? गौरी माहौर। गौरी माहौर, क्या सुनाएंगे? डांस? डांस करूंगी। पक्का आता है आपको? चलिए गुड़िया का भी को निराश नहीं करेंगे। वैसे बच्चों की टाइमिंग 1:30 से 2:30 बजे तक छतरी नंबर 3 पर, अगर वहाँ नहीं मिले तो शिल्प बाजार कांच वाली बिल्डिंग के ठीक बगल में, वहाँ पे ढूंढ लीजिए, वहाँ पर भी टीम मौजूद रहती है। तो चलिए डांस है आपका जले सॉन्ग। चलिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। कहते हैं बेटियाँ किसी से, बेटियाँ किसी से कम नहीं होती। जोरदार तालियां गुड़िया के लिए। अभी किसने सब्सक्राइब किया है वो हाथ उठा दे, उनके लिए उपहार है। यूट्यूब पर अभी किया है आपने, बताइए। अभी किया है, एक आपके लिए मैस्कोट मॉस्क्यूट से, एक आपके लिए रुद्रा इंडस्ट्री से, एक आपके लिए। खाटू अभी तक कौन कौन नहीं गया है? जो अभी तक वास्तव में खाटू नहीं गए हैं उनके लिए यानी पर डे के पर डे खाटू टिकट भी दे रहा हूं मैं, और देखते हैं आज कौन जीत के ले जाता है खाटू का टिकट। और जो होगा सच्चा खाटू प्रेमी बाबा उसी को टिकट देते हैं। हाँ, जो सच्चा प्रेमी होगा खाटू श्याम बाबा का, और जो अभी तक खाटू नहीं गया है उसके लिए ये टिकट है, ये शानदार। देखते हैं आज कौन जीतता है खाटू टिकट। और वैसे कौन कौन नहीं गया है टिकट अभी खाटू, बोलो हारे के सहारे की, बोल बाबा श्याम की, बोल खाटू नरेश की जय। क्या हो गया चिरकुंडे, कौन ने मारा है? कुछ ही ने नहीं मारा तो, और गजे दे टपली टपली और का निंग 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 निंग। ओए चिरकुंडे रुक रुक रुक, चिरकुंडा क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, मैं चिरकुंडा नहीं हूं। परेशान क्यों है तो? मैं ना सांप माप लटका गया और का दो है, एक चुर्रू एक मुर्रू, एक चुर्रू एक मुर्रू। हां, और जो पेंटा भी करते हैं ये पेंटा, देखो ये कौन है पेंटा? हां, बार-बार पेंट बदलता है ये। अच्छा, और क्या जी, देखो ढिंचक ढिंचक ए बजा। हां रुक जाता है बीच में, मैं धमका देता हूं बीच में, रुक रहा है, रुक जाता है। तो क्या है आज, कुछ है? हां क्या है आज? यो हनी सिंह, यो हनी सिंह मेरे आई फोन का यार। वो तुम्हारा बेटा कहाँ गया यार, वो कल खो गया था मेले में। वो मेले में ही खो, मेरा बेटा। हाँ, वो तुम्हारा बेटा। अरे वो हनी सिंह के साथ में घूम रहा है, बचपन में शादी हुई थी ना। हाँ, बेटा तुमसे बड़ा है। हाँ, वो क्या है ना, हनी सिंह के साथ में घूम रहा है वो। हाँ हनी सिंह के साथ घूम रहा है, और क्या, कहाँ चला गया? उसको बुलाना पड़ेगा, फोन लगाना पड़ेगा, फोन लगाना पड़ेगा। लगा फोन, लगा दू? लगा लगा लगा, जल्दी लगा जल्दी लगा। मैं आज आईफोन खरीद कर आया। आईफोन? और क्या जी, आईफोन। अरे वाह, आईफोन है। अच्छा अच्छा, 9-4 ये दोनों की दोनों चिरकुंडे बीच बीच में आते रहते, 8-9 पर क्या करें, ये मेंटल हॉस्पिटल से आए हैं चिरकुंडे।
हाँ चिरकुंडा क्या हुआ? कछु नहीं, फोन लगा रहा हूँ मैं। ओ पन बना रसबाला, अरे मैं गाना चालू कर रहा हूँ। भाई साहब इसको चलाते कैसे हैं ये तो बता दोगे? ये तो पान बना रसबाला बोल रहा है। नंबर लगा? नंबर हाँ 786 98 16। यो यो आनी सिंह जल्दी से। हेलो, हाँ आनी सिंह बाबा आ जाओ। बोले जी साहब। हाँ आज अपन को टैलेंट दिखाना है ना। बताओ क्या दिखाना है? अरे तुम तो मेरे बेटे हो। अनिल सिंह कहाँ है अपना? अनिल सिंह आ रहा है। बोल लीजिए कहाँ है? आ रहा है घूमने। अनिल सिंह को बुलाओ ना जी। अनिल सिंह को गोदी में क्यों रख के लाए हो तुम? बेटू हाँ कौन? देखो हिलता रहता है अनिल सिंह। अच्छा मुंडी लाता रहता है। मुंडी लाता है, उसकी तबीयत खराब है आज। ये दोनों चिरकुंडे और मिरकुंडे दोनों की दोनों आते रहते हैं बीच बीच में। ओ चिरकुंडे हाँ, ये कौन से नंबर का बेटा है तेरा? जी मेरे से तो बड़ा है तो भूल ही जाता है बच्चों को, अपने बच्चों को। नहीं मैं देख रहा हूं। गौर से देखिए इस बाप को जो अपने बच्चों को भूल जाता है। गौर से देखिए, ये बचपन में शादी हुई थी इसकी। हाँ कितने साल की उम्र में हुई थी? क्या मेरी 100 साल की उम्र में तेरी? अरे एक जीरो हटा दो, हो गया था। बाबा झूठ बोल रहे हो। अरे पापा सबके सामने बेइज्जती कर रहा है तो मैं कल यार पूरी पब्लिक कर लिए। देखो जी कौन है तुम्हारे? जी मेरे पापा है। कब से बता तो रहे हैं आपको? 100 साल के हैं अभी। नहीं 100 साल का नहीं हूँ मैं। जीरो हटा दो, जीरो हटा दो। कब से पापा आए तुम्हारे? करीबन 7 साल हो गई। हाँ ये बचपन से। जी अनिल सिंह कहाँ से आ गया? जी इनका पहला जन्म हुआ है। इनका लड़का है बेटू। अनिल सिंह बोलो। अच्छा इनका लड़का है तू? हाँ आवाज तो सुनाओ इसकी। बोलो ये दोनों की। आलों के दिल का करार लूटने हम आए हैं यूपी बिहार लूटने। यानी कि आज भी आप सभी के लिए टैलेंट लेकर आया हूँ आप ही के अपने वाले प्रोग्राम मेला महोत्सव 2024 में। हाँ एक एक छतरी पर घूमा हूँ और एक एक छतरी से लेकर आया हूँ टैलेंट आप ही के अपने वाले प्रोग्राम मेला महोत्सव 2024 में। चलिए आपको दिखाता हूँ एक शानदार टैलेंट, यानी कि बहुत भयंकर वाला आने वाला है गुस्से में। अब आने वाला है एक आपके भी शानदार टैलेंट, यानी कि अभी तक आपने देखी थी हसमुख भाभी शर्मिली भाभी और अब आपके बीच आ रही है गुस्से वाली भाभी, यानी गुस्से के अंदर गुस्सा, गुस्से से भी ऊपर। यानी कि अगर आप उनकी सास बोलती है ना उनसे बहू चाय बना ले तो भाभी जी गुस्से में बोलती है, मतलब इतना गुस्सा है उनके अंदर, इतना गुस्सा है उनके अंदर कि चाय ना स्टोव पे नहीं बनाती, गैस चूल्हे पे नहीं बनाती, केवल बर्तन में चाय और दूध रखती है और गुस्से में देखती है उबलने लगती है। सोचो ऐसा टैलेंट मैं लेकर आया हूँ। चलिए दिखाता हूँ आपको टैलेंट। साहिबान मेहरबान कदरदान थूकदान पीकदान आलू की दुकान समोसे की दुकान जलेबी घुमा के अब आप सभी के सामने आ रही है गुस्से में गुस्सा, गुस्से वाली भाभी गुस्से में। भाभी जी नमस्ते। नमस्ते। इतना गुस्सा गुस्से में रहती हैं आप? हाँ, गुस्से कभी में भी गुस्सा आ जाता है? हाँ, चाहे भी कितना भयंकर आता है गुस्सा? बहुत ज्यादा, मतलब कोई आपसे कुछ बोल दे गुस्सा हो जाती है। हाँ। जैसे सासू माँ ने बोल दिया झाड़ू लगाओ तो गुस्सा कैसे आता है आपको बताओ? हम पे नहीं लग रहा झाड़ू, हम पे नहीं लग रहा झाड़ू, अब लगा लो। चाय गुस्से में देख कर बना देती है। चलिए इनका टैलेंट दिखाते हैं, नहीं तो पता पड़ा इनको गुस्सा आ गया हम ही गायब हो जाए। हाँ कोई वो कोई दिक्कत थोड़ी है। हाँ दिखा दें आपको टैलेंट। छाती के लग रही है, छाती के लग
जोरदार तालियां। तो देखा भाभी जी का टैलेंट। हाँ भाभी जी अब तो गुस्सा नहीं होंगी, आपका करा दिया परफॉर्मेंस। हाँ ठीक है अच्छा। अब नहीं होंगे गुस्सा, ठीक है सबको। हाँ वो देख रही है आपकी बुआ सास देख रही है और मान लो चचिया सास तो यहीं बैठी हैं, वो बैठी है देखो बहू को डांस कैसा लगो? टॉप को लगो सही बताओ। हाँ अच्छा लग रहा प्रोग्राम, अच्छा लग रहा। हाँ बहू पे निगाह रखती है सासे भी, ऐसा थोड़ी है रखना पड़ते। सिखा तो वही रहे हैं तो क्या नहीं। एक बार जोरदार तालियां। अब दिखाते हैं आपको थोड़ी सी पागलपंती, मेला महोत्सव टीम की थोड़ी सी पागलपंती लेकर आ रहे हैं आप सभी के बीच सचिन माथुर और उनके साथी कलाकार यानी कि मंजू भाभी। अब पता नहीं क्या आ गई मंजू भाभी बगल आए क्या? आओ तो मैं तुझको भगा लाया हूँ तेरे घर से, तेरे पाप के डर से, तेरे पाप के डर। चलिए थोड़ी सी पागलपंती दिखा दे, ये दोनों पागल जब तक इनकी पागलपंती नहीं निकलवाऊंगा ना, जब तक ये मुझे पागल करते रहेंगे। चलिए दिखाते हैं मेला महोत्सव टीम की थोड़ी सी पागलपंती। छतरी नंबर तीन पर 1 2 3
खाटू नहीं गए हैं वो हाथ उठा दें, जो खाटू नहीं गए अभी तक, यानी कि पब्लिक भी जीत सकती है खाटू यात्रा का टिकट। जो अभी तक खाटू नहीं गए, 20 तारीख को यात्रा जा रही है, यानी कि आना जाना बिल्कुल फ्री। श्री श्याम सेवा संगठन की ओर से देखते हैं आज खाटू का टिकट कौन जीतता है। एक बेटा एक आपके लिए मॉस्क्यूट से, एक आपके लिए भी मॉस्क्यूट से, यानी कि मच्छर आपके घर में नो एंट्री मच्छरों की। डेंगू चिकनगुनिया मलेरिया ये मच्छर अब नहीं आएंगे आपके घर के अंदर, क्योंकि आज ही अपनाइए मॉस्क्यूट रुद्र इंडस्ट्री से। एक आपके लिए भी है मॉस्क्यूट से, एक आपके लिए मॉस्क्यूट गो, एक आपके लिए भी है मॉस्क्यूट गो से, और एक आपके लिए भी है मॉस्क्यूट गो से, एक आपके लिए भी है तनमन से पूजा पाठ से, एक आपके लिए भी है पूजा पाठ से, और एक एक और है आपके लिए पूजा पाठ तनमन से, एक आपके लिए पूजा पाठ तनमन से, एक आपके लिए पूजा पाठ तनमन से, एक आपके लिए और एक आपके लिए पूजा पाठ तनमन से, और एक आपके लिए मॉस्क्यूट से, एक आपके लिए, एक एक और है आपके लिए बेटा, एक आपके लिए मॉस्क्यूट से, एक आपके लिए। अब मच्छर आपके घर के आसपास भी नहीं भटकेंगे। एक आपके लिए मॉस्क्यूट से, एक आपके लिए मॉस्क्यूट से, और एक आपके लिए मॉस्क्यूट से, ये मॉस्क्यूट गो से, ये प्योर हर्बल है और 100% हर्बल है, और एक आपके लिए। आपने बहुत अच्छा भजन सुनाया था, एक आपके लिए LIC व्हीकल, मात्र 1,20,000 रुपये की गाड़ी है और आपको मिल रही है मात्र 20,000 रुपये में, 19,999 रुपये में, और गर्ल्स के लिए और लेडीज़ के लिए बहुत शानदार गाड़ी है। राम बाटी का DV सिटी रोड पर है इनका कंपनी का शोरूम। के लिए है विशाल विंडो कूलर, विशाल फर्नीचर, अब थोक रेट में खरीदिए अपना पसंदीदा फर्नीचर छतरी नंबर 1 पर, विशाल विंडो कूलर विशाल फर्नीचर से, और एक आपके लिए भी है विशाल विंडो कूलर विशाल फर्नीचर से, एक आपके लिए भी विशाल विंडो कूलर विशाल फर्नीचर से, एक आपके लिए और एक आपके लिए। आपके लिए RK प्रॉपर्टी रफीक खान साहब की ओर से, एक आपके लिए शहर की किसी भी लोकेशन पर आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं, या फिर आप अपने घर का सपना पूरा करना चाहते हैं, अपना घर लेना चाहते हैं आसान किस्तों में, केवल आपको क्या करना है, सीधे जाना है जीवाजीगंज पुलिस चौकी पर RK हाउस, वहाँ पर उनका हेड ऑफिस है रफीक भाई साहब का, जाइए और उनसे संपर्क कीजिए। ये जो नंबर देख रहे हैं ये नंबर उनका है, इस नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। एक आपके लिए भी RK प्रॉपर्टी से, तनमन से। कपड़े धो लेते हैं आप? पक्का? अब इससे धोकर देखना, तनमन का ये वॉशिंग पाउडर, एक आपके लिए तनमन से। आप धो लेते हैं कपड़े? एक आपके लिए भी है तनमन से, और एक आपके लिए भी है तनमन से ये वॉशिंग पाउडर। आपने डांस बहुत अच्छा किया था बेटा। एक आपके लिए है विशाल विंडो कूलर विशाल फर्नीचर छतरी नंबर 1 से, एक आपके लिए ये उपहार। ये कायरा का ये मोबाइल टेम्पर, सुनील मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर टोपी बाजार से, एक आपके लिए, और एक आपके लिए भी है सुनील मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर टोपी बाजार से, बड़ा शानदार टेम्पर है। 4 मंजिल से भी मोबाइल गिर जाए मोबाइल का कुछ नहीं बिगड़ेगा, मोबाइल उठकर कहेगा भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक आपके लिए क्या है, हाथ उठा दें, आपने किया सब्सक्राइब, दिखाइए किस पे किया, यूट्यूब पर या फेसबुक पर? यूट्यूब पर। एक आपके लिए भी है, आपने सब्सक्राइब किया, एक आपके लिए तनमन से, एक आपके लिए। तनमन का ये बड़ा ही शानदार साबुन आया है, हाँ, एक आपके लिए भी है तनमन से, एक आपके लिए छतरी नंबर 3 पर लगा है तनमन का स्टॉल, एक आपके लिए, एक आपके लिए और एक आपके लिए तनमन से। के भी लिए देता हूँ मैं समास, ये गेम मॉन यानी कि ये बाउचर दे रहा हूँ आपको, DV सिटी मॉल में है ये सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर, 3rd फ्लोर पर आप जाइए और गेम खेल कर आइए। ये डिस्काउंट कूपन है, सीधे सीधे बाउचर है 300 रुपये का, हाँ, एक आपके लिए भी है। अगर आप जाते हैं तो DV मॉल में आप जाइए, गेम जोन में गेम खेल कर आइए समाज से, एक आपके लिए। और एक आपके लिए भी है
समाज से एक आपके लिए 200 रुपए का वाउचर। हाँ जाइए और गेम खेलकर आइए। ये अंडर वाटर फिश टनल, मछली जल की जीवन उसका पानी है। एक आपके लिए भी अंडर वाटर फिश टनल, घूमकर आना। ये झूला सेक्टर पर लगा है, ये एक व्यक्ति का फ्री कूपन है। एक आपके लिए भी है अंडर वाटर फिश टनल से, एक आपके लिए है अंडर वाटर फिश टनल से, और एक बेटा आपके लिए भी अंडर वाटर फिश टनल से, एक आपके लिए अंडर वाटर फिश टनल से, एक आपके लिए, और बेटा आपके लिए भी अंडर वाटर फिश टनल से। सब्सक्राइब किया है, किस पे किया है? यूट्यूब पे, इंस्टा पे भी है, इंस्टा और यूट्यूब पर। एक आपके लिए है अंडर वाटर फिश टनल से, ये आपके दोस्त है साथ में नहीं, चलो फिर भी तो आप चले जाना अंडर वाटर फिश टनल से। एक आपके लिए ये जयपुर हाउस से, ये महाराजवाड़ा मोर बाजार में जयपुर हाउस, जयपुर डिजाइन की सारी साड़ियाँ यहाँ पर, और पोशाक और लहंगे तो यहाँ पर स्पेशल है जयपुर डिजाइन के। एक आपके लिए भी है जयपुर हाउस से, एक आपके लिए जयपुर हाउस से, और एक आपके लिए अनेजा मॉल से, ग्वालियर का नंबर वन मॉल अनेजा मॉल से। एक आपके लिए, आपके लिए भी है अनेजा मॉल से, और एक आपके लिए अनेजा मॉल से। ये बहुत शानदार टैलेंट किया था गुस्से वाली भाभी। क्या वैसे नाम क्या है आपका? नेहा माहौर। नेहा माहौर, एक बार जोरदार तालियां हो जाए भाभी जी के लिए। अनेजा मॉल से ये शानदार साड़ी जीती है भाभी जी ने, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। ये जाता है टैलेंट में, आपने बहुत अच्छा टैलेंट करके दिखाया था, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। अनेजा मॉल ग्वालियर से एक आपके लिए। गोल नहीं गया है, हाथ उठा दे अभी तक जो खाटू नहीं गए हैं, खाटू श्याम बाबा पे जो अभी तक नहीं गए हैं, केवल वही लोग हाथ उठाएं जो खाटू अभी तक नहीं गए हैं और श्याम बाबा के दर्शन करना जाना चाहते हैं, हाथ उठा दीजिए। आप वहाँ हैं खाटू? हाँ, मैं यहीं पास में जाती हूँ पर नहीं, जो रिंगस वाले खाटू वो नहीं गए, बड़े खाटू श्याम पर वहाँ नहीं गए। नहीं गए आप? पक्का? नहीं, वहाँ नहीं गए अभी तक। नहीं गए? नहीं। जाना चाहेंगे बाबा के दर्शन करने? आना जाना बिल्कुल फ्री है, 20 तारीख को यात्रा जा रही है श्री श्याम सेवा संगठन की ओर से। श्याम बाबा से मिलना चाहते हो आप? हाँ? पक्का? तो जयकारा तो लगाया नहीं है आपने, जयकारा लगाओ बाबा श्याम का। बोल खाटू नरेश की जय, बोल हारे के सहारे की जय, बोल खाटू नरेश की जय, बोल श्याम बगीची सरकार की जय, आपसे जानी की। मैं जा नहीं पाऊंगी अकेली, 20 तारीख को नहीं जा पाएंगे? नहीं जा पाऊंगी। आपको मिलने वाला था ये टिकट? मैं तो जाना चाहती हूँ, मुझे कोई लेके नहीं जाएगा, मेरे यहाँ मानते नहीं है ज्यादा, कबीर साहब को मानते हैं इसलिए। अच्छा अच्छा। हाँ, मैं जाती हूँ पर सिकंदर कंपू पे जो बना है ना वहीं जाती हूँ। वहाँ जाते हैं आप? चलिए, आप नहीं जाना चाहते कोई दिक्कत नहीं है, पर देखते हैं पब्लिक भी जा सकती है खाटू श्याम यात्रा पर, हाथ उठा दीजिए, देखते हैं किसको मिलता है खाटू यात्रा का ये टिकट। बोल हारे के सहारे की जय, बोल खाटू नरेश की जय। एक आपके लिए, एक व्यक्ति का आना जाना बिल्कुल फ्री, 20 तारीख को जा रही है ये यात्रा, चले जाओगे? हाँ। अभी बता दो कैमरे के सामने। हाँ। चले जाओगे? हाँ। एक आपके लिए खाटू श्याम बाबा की यात्रा का ये टिकट, अभी आप मुझे जानकारी देकर जाना जी। आपका फोटो और आपका नंबर मैं उन तक पहुंचाता हूँ, आपकी सीट बुक कराता हूँ। अभी 19 तक, यानी कि 19 तक पर डे के पर डे रोज एक टिकट बटने वाला है पब्लिक को, यानी कि अभी पिछले 4 दिन से पब्लिक जीत रही थी टिकट, वर आज जीता है भैया ने, यानी कि ये टिकट मिलने वाला था पहले मैम को, पर टिकट का हकदार, यानी कि कहते हैं जो सच्चा प्रेमी होता है खाटू श्याम बाबा का, जो बाबा जिसको बुलाते हैं उसी को मिलता है ये टिकट। अगर आप भी जाना चाहते हैं आ जाइए ग्वालियर के व्यापार मेले में, छतरी नंबर 3 पर मिलिए मेला महोत्सव की टीम से। अगर आप में कोई टैलेंट है तो अपना टैलेंट दिखाइए और ले जाइए ढेरों उपहार। यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और क्या हो गया? कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी स्टार्ट होती है हमारी, मेरी गाड़ी कैसे चलती है? टट 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 टट, कैसे चलती है? टट 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 टट। चलिए गाड़ी स्टार्ट होती है, 1 2 3 टट 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 टट। मैं मौजूद हूँ नजरबाग मार्केट में, ये दूसरी शॉप है जयपुर हाउस दुर्गेश्वरी साड़ी सरोवर की, ये दूसरी शॉप है नजरबाग मार्केट में, इकलौती एक ही दुकान है साड़ियों की। हाँ, नजरबाग मार्केट में इकलौती एक दुकान है साड़ियों की, आप देख सकते हैं यहाँ पर
लेटेस्ट साड़ियाँ यहाँ पर भी अवेलेबल है, जयपुर हाउस यहाँ पर मिलेंगी आपको लेटेस्ट साड़ियाँ। आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, एक से बढ़कर एक लेटेस्ट साड़ियाँ यहाँ पर अवेलेबल है। बनारसी साड़ी, हाँ बनारसी साड़ी, अब नहीं जाना पड़ेगा बनारस, जयपुर हाउस पर यहाँ पर नैयरबाग मार्केट में मिलेगी ये लेटेस्ट साड़ी बनारस। और ये है जयपुरी डिज़ाइन की साड़ियाँ, यानी कि जयपुर की भी साड़ियाँ यहाँ पर अवेलेबल है। अगर आप यहाँ पर आते हैं नैयरबाग मार्केट में तो यहाँ आइए नैयरबाग मार्केट में। ब्लॉक के बारे में पूछ लेते हैं भैया, कौन से ब्लॉक में है? नजाबा मार्केट ए ब्लॉक फर्स्ट फ्लोर पर, ए ब्लॉक फर्स्ट फ्लोर पर। और पूरे नैयरबाग मार्केट में इकलौती एकमात्र दुकान है, आप किसी से भी पूछेंगे इकलौती दुकान कहाँ पर है साड़ियों की, तो आपको यहाँ मिलेगी ए ब्लॉक में नैयरबाग मार्केट फर्स्ट फ्लोर में। तो आइए, ये दूसरी शॉप है पोशाक, पोशाक लहंगे भी यहाँ पर जयपुर स्टाइल के यहाँ पर अवेलेबल है विथ चुनरी के साथ। ये पोशाक भी ये आप देख रहे हैं, बड़ा ही प्यारा सा डिजाइन जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है पोशाक। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा दोस्तों, इधर उधर क्यों जाना, सीधे जयपुर हाउस पर है आना। आप देख रहे हैं ये दुल्हन के लिए, ये 2024 का नया लहंगा आया हुआ है। आइए जयपुर हाउस पर, नैयरबाग मार्केट फर्स्ट फ्लोर पर ए ब्लॉक में है जयपुर हाउस। आइए और यहाँ पर शॉपिंग कीजिए, और मेला महोत्सव का नाम लेते हैं या फिर मेरा नाम लेते हैं तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा यहाँ पर। और लहंगों को भी यहाँ पर एक से बढ़कर एक वैरायटी यहाँ पर मौजूद है। मेरे साथ में जीतेन भार्गव भैया यहाँ पर मौजूद हैं। भैया क्या क्या अवेलेबल है ये सेकंड शॉप पर यहाँ पर? अपने यहाँ पर शिफॉन, चिनॉन और सिल्क वगैरह की साड़ियाँ, और जयपुरी की तो बहुत रेंज है अपने पास, और जयपुर के राजस्थानी बेस वगैरह हैं, लहंगे हैं, चुन्नी है, ये सब अपने आप। स्टार्टिंग प्राइस कितने से है? स्टार्टिंग अपनी बहुत ही कम, लो प्राइस पे है अपनी, 800-1000 रुपये से स्टार्ट है, और साड़ियों में 300-400 रुपये से स्टार्ट है अपने, 300-400 और 10-15 हज़ार तक की साड़ी अपने यहाँ पर मिल जाती है। 10-15 हज़ार रुपये तक की साड़ी अपने यहाँ मिल जाती है। और अगर कोई हमारे प्रोग्राम का नाम लेकर आती हैं तो उनको डिस्काउंट? उनको डिस्काउंट दे देंगे, जो भी अपन देते हैं हमारे जो फर्म से है डिस्काउंट अवेलेबल, वो हम देंगे आप, वो डिस्काउंट आप देंगे। तो दोस्तों कहना चाहूँगा, आइए जयपुर हाउस, नैयरबाग मार्केट ए ब्लॉक में फर्स्ट फ्लोर पर है इकलौती एकमात्र दुकान नैयरबाग मार्केट की, जयपुर हाउस, इस प्यारी सी शॉप पर। सबकी गाड़ी पहुँच चुकी है लैम्बेंट पटेल नगर पर, लैम्बेंट कंपनी के शोरूम पर, और आज रेंचो भी आया है यहाँ पर खरीदारी करने। तो दोस्तों आज रेंचो भी आया है जिद करके कि मुझे भी बहुत सारे गैजेट्स लेने हैं और बहुत सारी गिफ्ट आइटम लेना है, क्योंकि रेंचो का बर्थडे आ रहा है ना, तो बर्थडे में अपने फ्रेंड को रिटर्न गिफ्ट भी लेकर जाएगा, और साथ में जो भी उनके मेहमान आएंगे उनके लिए भी कुछ गिफ्ट हैंपर लेकर जाएंगे। हाँ मैं भी आया हूँ आज यहाँ पर लैम्बेंट के प्यारे से शोरूम पर, और आज मैं भी यहाँ पर बहुत सारे गिफ्ट आइटम आज यहाँ से लेकर जाने वाला हूँ। और कल तो वैलेंटाइन डे वीक है, यानी कि वैलेंटाइन है, तो उसके लिए भी यहाँ से मैं बहुत सारे बुके भी लेकर जाऊँगा। हाँ ये बुके भी लेकर जाऊँगा, और हमारा सिब्बू भी आया है, इनका भी हैप्पी बर्थडे, इनको भी मैं गिफ्ट दूंगा। हेलो हैप्पी बर्थडे, हाँ इसका भी है, इनका इनका हैप्पी बर्थडे है। हाँ साहब, तो इनके हैप्पी बर्थडे में रेंचो आएगा गिफ्ट लेके? हाँ बिल्कुल आएगा। आपका बर्थडे है सर जी? हाँ आपका बर्थडे है, तो आपके बर्थडे पर गिफ्ट मिलेगा आपको भी? बिल्कुल। हाँ देखो, हाँ बोल दिया इन्होंने, और इनके दोस्तों को ये है लैम्बेंट के ओर से एक आपके लिए गिफ्ट, ठीक है? कैसा है? ठीक है, हाँ बच्चों का फेवरेट है लैम्बेंट शोरूम, और आप अपने घर को सजाने के लिए यहाँ पर काफ़ी सारे एंटिक आइटम भी यहाँ पर अवेलेबल है। और साथ में अगर आप कल वैलेंटाइन डे पे अपने पार्टनर को इतने अच्छे गिफ्ट देना चाहते हैं, हार्ट देना चाहते हैं, या फिर लव वर्ड्स देना चाहते हैं, वो भी यहाँ पर अवेलेबल है लैम्बेंट के इस प्यारे से शॉप पर। शानदार गैजेट्स जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये, और बड़े ही यूनिक
आइटम यहाँ पर मिलते हैं लैम्बेंट शोरूम पर। ये महिलाओं के लिए ये यहाँ पर ये सामान भी यहाँ पर अवेलेबल है, यानी किचन आइटम भी आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल है। और उसके रूम को एक नया आकार देना चाहते हैं आप, उसके रूम में ये नई नई वॉच आप देख रहे हैं, ये बच्चों वाली वॉच भी यहाँ पर अवेलेबल है। मैं सजाने के लिए, घर को सजाने के लिए यहाँ पर ये यूनिक आइटम जो आप देख रहे हैं, हॉर्स है, बुद्ध जी हैं शांति के प्रतीक, और गणेश भगवान की मूर्ति है आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है जो आपके घर को एक नया रूप देंगे। यहाँ पर कस्टमर को एक एक प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से जानकारी दी जाती है लैम्बेंट शोरूम में। पढ़ाई यूनिक आइटम जो बच्चों के लिए, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए बड़ा ही यूनिक आइटम, यहाँ पर बड़े ही यूनिक आइटम है, और रेंचो ने तो यहाँ से शॉपिंग कर ली है। तो दोस्तों रेंचो ने तो शॉपिंग कर ली है। हाँ, मैंने तो शॉपिंग कर ली है, जितने भी मेरे छोटे छोटे दोस्त हैं जिनका बर्थडे आ रहा है उनके लिए बड़े ही अच्छे अच्छे गैजेट्स और खिलौने यहाँ पर अवेलेबल है, और मैंने तो अपने लिए शॉपिंग कर ली है। नवीन भैया क्या क्या खरीदा है, भैया क्या क्या खरीदा है इन्होंने? इन्होंने बहुत सारे टॉयज लिए हैं, और जो छोटे छोटे बच्चों के जो यूनिक से टॉयज होते हैं उन्होंने आज लिए हैं। हाँ भैया, तो फिर मेरे को दे दो ये लो। हाँ, मैंने तो शॉपिंग कर ली है, अगर आप भी आना चाहते हैं तो आइए, सिटी सेंटर पटेल नगर आदित्य वर्ल्ड स्कूल के ठीक सामने है लैम्बेंट कंपनी का ये शोरूम, आइए और प्यारे प्यारे से गैजेट्स यहाँ से लेकर जाइए। टोपी बाजार में उर्वशी मोबाइल एसेसरीज की इस प्यारी सी शॉप पर, यहाँ पर होलसेल एंड रिटेल में सब कुछ मोबाइल के एक एक सामान यहाँ पर अवेलेबल है। और मेरे साथ में यहाँ पर आकाश बंसल जी मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। जय श्री राम आकाश जी। जय श्री राम आकाश जी, क्या क्या अपने पास अवेलेबल है? अपने पास सारे मोबाइल कवर हैं, अपने पास अलग अलग वैरायटी के मोबाइल कवर हैं, सस्ती रेंज से लेके ऊपर रेंज तक सारे मोबाइल कवर मिल जाएंगे। टेम्पर्ड ग्लास हैं, अच्छे क्वालिटी के, सारा टेम्पर्ड, अच्छी क्वालिटी के टेम्पर्ड हैं। नेकबैंड है, एयरफोन है, एयरबड्स हैं, पावर बैंक हैं, डाटा केबल हैं, चार्जर है, अपने पास सब अच्छी रेट में मिल जाता है। और बाकी अपना होलसेल का काम है, तो रेट अपनों को पूरी मार्केट से अच्छी रेट मिल जाएगी। कोई अगर आपसे सामान, जो मोबाइल शॉप वाले हैं जो दूर 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 जगह आज तक लोग देख रहे हैं, अगर वो आपसे सामान लेना चाहें तो वो सामान भी आपके पास है? बिल्कुल बिल्कुल, सारा सामान मिल जाएगा, उचित रेट में मिल जाएगा, होलसेल की रेट में मिल जाएगा, और मार्केट से सबसे अच्छी रेट में अपने पास सामान मिल जाएगा, सारा माल मिल जाएगा अपने पास। हाँ, अपने पास कंपनी का भी ब्रांड है, और अपने पास ऑफर भी चलते हैं, जैसे वो अच्छी क्वांटिटी माल लेते हैं तो उनको गिफ्ट वगैरह भी देते हैं अपन लोग। गिफ्ट वगैरह भी देते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक बार नंबर जानना चाहेंगे आपका, मोबाइल नंबर बता दीजिए जो हमारे जो दर्शक देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। मेरा नंबर है 769728599। दोस्तों अगर आप भी सोच रहे हैं अपने मोबाइल में अच्छा कवर डलवाना, या फिर टेम्पर डलवाना, या फिर वॉच लेना, हाँ जो स्मार्ट वॉच चल रही है, स्मार्ट वॉच वगैरह भी है अपने पास। अपने पास 450-500 रुपये से स्मार्ट वॉच है, और 2-2.5 हज़ार रुपये तक के, 450 रुपये से 450 रुपये से स्मार्ट वॉच है अपने पास अवेलेबल। अगर कोई आपका नाम लेके आएगा तो 450 रुपये की स्मार्ट वॉच मिलेगी, बाकी अपन 600-700 रुपये बेचते हैं। वैसे मेला महोत्सव का नाम लेके आएगा तो 450 रुपये। तो दोस्तों आइए ग्वालियर, यहाँ पर ग्वालियर के महाराज बाड़े पर टाउन हॉल के ठीक जस्ट बगल में है टोपी बाजार में। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो राइट हैंड पर चौथी दुकान आपको मिल जाएगी, उर्वशी एसेसरीज मोबाइल की ये प्यारी सी शॉप। आइए और आकाश बंसल जी से मिलिए, और ले जाइए अपने मोबाइल के पसंदीदा कवर और पसंदीदा स्मार्ट वॉच। आइए और एक बार आकर देखिए तो सही, और मेला महोत्सव का नाम लेते हैं या फिर मेरा नाम लेते हैं तो आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा, और हो सकता है आपको कुछ उपहार भी मिल जाए यहाँ पर। और दोस्तों मेरे साथ आकाश भैया यहाँ पर मौजूद हैं। भैया, शहर के बीचों बीच लोकेशन बहुत शानदार है, और हॉल की क्षमता भी 100 लोगों के लिए यहाँ पर हॉल की क्षमता भी यहाँ पर अवेलेबल है। अगर कोई अपने यहाँ पर पार्टी करता है तो खाने पीने की व्यवस्था भी आप ही की तरफ से रहती है? जी बिल्कुल, खाना, मेन कोर्स, स्टार्टर, इंडियन, नॉर्थ इंडियन, सब तरह के स्नैक्स और कंप्लीट हमारे यहाँ पे फुल रेंज है। और स्पेशली हमारे यहाँ लेडीज़ों के लिए किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी बच्चों के लिए, 31st, न्यू ईयर, जितने भी पीक डेज आते हैं उसके लिए हमारा एटमॉस्फेयर काफ़ी
पॉजिटिव है और यहाँ पे माहौल भी बहुत अच्छा रहता है। इवन खाने की सारी रेंज रीजनेबल प्राइस में आपको ट्रीट कैफ़े में अवेलेबल मिलेगी। और पार्टीज़ के लिए हमारा सिंपल एक प्लेट सिस्टम है, वो भी हम आपको कंट्रीब्यूट कर देते हैं। और जैसे रात हो जाती है, सबको पैसे चिंता रहती है, फिक्र रहती है कि रात हो गई, लेट नाइट हो गया, तो शहर के बीचों बीच है, मतलब शहर से बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। जी बिल्कुल सही कहा विवेक जी आपने। लश्कर में एक मेरी छोटी सी कोशिश है सबसे जुड़ने के लिए, और हमारा तो ये फैसिलिटी की नबी कोई साधन भी नहीं है, तो हम अपनी खुद की निजी कार से उनको घर में प्रोवाइड कराते हैं और छोड़ के आते हैं। और सारी सुविधा आजकल की जो न्यू ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग हमने इस हॉल में रखी है। ये हमारा पार्टी हॉल, जब भी आप आएँ बहुत अच्छी फैसिलिटी है सर। मोंटी भैया आपका स्वागत है। मोंटी भैया, ट्रीट कैफे में क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल है और ग्वालियर वासी क्यों ज़्यादा पसंद करते हैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर आना? ट्रीट कैफ़े के जो फैसिलिटी आप देखे जाए तो यहाँ पे सबसे अच्छा हमारा पार्टी हॉल है, जो कि बहुत ही अच्छा बना हुआ है और यहाँ पे सारी सुविधाएं भी हमने दे रखी है। पार्टी हॉल के अंदर डीजे सिस्टम लगा हुआ है, डिस्को लाइट्स लगी हुई हैं हमारे यहाँ पे, और डिस्को लाइट्स भी हमारे लगी हुई हैं। और जहाँ तक फूड की बात करें, हमारे यहाँ फूड क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है और हम लोग क्या है शुद्धता पर ही काम करते हैं। बहुत से होटल वाले क्या क्वालिटी अच्छी देते हैं, बस शुद्धता वो लोग नहीं यूज़ कर पाते हैं, बट हमारे होटल के अंदर आपको क्वालिटी प्लस संग में फूड की शुद्धता, हम दोनों चीज़ पर दाम पूरा काम करते हैं। हमारे बेस्ट पिज़्ज़ा बहुत बेस्ट है हमारे यहाँ पे, सपोज खाना हमारा बहुत अच्छा मिलता है, कस्टमर हमारे लगातार रिपीट्स हो रहे हैं इसको देखते हुए, हमारा डेकोरेशन हमारी फैसिलिटी देखते हुए। और मैं ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम कि ग्वालियर शहर में एक बार जितने भी मेम्बर्स ये लोग देख रहे हैं एक बार हमारे आउटलेट का विजिट करें और यहाँ फूड चेक करें। धन्यवाद। तो दोस्तों मैं कहना चाहूँगा, और भैया का फैमिलियर व्यवहार भी है, यानी कि कस्टमर कस्टमर की तरह नहीं आता है, फैमिली की तरह आता है, क्योंकि आपका अपना वाला द ट्रीट कैफ़े है, जब ही तो सारे बच्चे जिद करते हैं कि बर्थडे पार्टी मनाना है तो हमें द ट्रीट कैफ़े में मनाना है। मैं इस चीज़ पे एक जरूर कहूँगा, ईस्ट ऑफ द वेस्ट ट्रीट इज़ द बेस्ट। हम दोस्तों ग्वालियर मेला महोत्सव की टीम पहुँच चुकी है 19 नंबर छतरी पर, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेले के अंदर, मेला खाटू श्याम बाबा का मेला, और खाटू श्याम बाबा का दरबार लगा हुआ है। ग्वालियर व्यापार मेले में पहली बार बाबा खाटू श्याम का दरबार, और यहाँ पर कई सारे झूले यहाँ पर हैं आप सभी के लिए अवेलेबल, और सेल्फी पॉइंट भी आपको यहाँ मिलेंगे पानी की टंकी के ठीक नीचे, बाबा श्याम का ये मेला। महोत्सव की टीम पहुँच चुकी है छतरी नंबर 2 पर पंडित जी के सूप कॉर्नर पर, और आज शनिवार के दिन का नज़ारा जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर कई सारी फैमिलियाँ अपने फैमिली मेंबर के साथ सूप का टेस्ट लेते हुए, और आप देख रहे हैं यानी कि फैमिली के लिए भी यहाँ पर अच्छी व्यवस्था रखी गई है। आप अगर अपनी फैमिली मेंबर के साथ आते हैं तो यहाँ पर अमेरिकन सॉफ्टी और साथ में भेल पूरी और मैगी, अमूल की मैगी भी यहाँ पर अवेलेबल है, और टमाटो सूप का तो क्या कहना। आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, यहाँ पर हमारे साथ यहाँ पर फैमिली भी बैठी हुई है। सूप का टेस्ट साल में एक बार, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, एक बार मिलता है। हाँ, यहाँ टेस्ट एक बार ही मिलता है साल में, बहुत अच्छा टेस्ट। आप लोग कहाँ से आए? हम लोग यही ग्वालियर सिटी सेंटर से हैं। सिटी सेंटर से ग्वालियर से, तो फैमिली के लिए भी यहाँ पर, यानी कि पंडित जी 36 से 37 वर्ष हो चुके हैं ग्वालियर के व्यापार मेले में आते आते, और पंडित जी से जानते हैं क्योंकि कल संडे है, और संडे को धमाल होने वाला है, यानी कि मेले में धमाल होने वाला है। पंडित जी नमस्ते। नमस्कार साहब, नमस्कार। कल संडे है, संडे के लिए तैयारी है, पूरी पूरी तैयारी है, और मैं समझता हूँ कि एक संडे और भी मिलेगा, लेकिन ज़्यादातर भीड़ इसी पे आ जाएगी। आखिरी संडे मेरे अनुभव में ज़्यादातर पड़ती है, और मैं सूप प्रेमियों से एक बड़ा भाव से निवेदन करता हूँ, मैं केवल साल में एक बार सूप देता हूँ, मेरी सूप की कोई दुकान शहर में नहीं है। अच्छे ताज़ा टमाटर के सूप के लिए आप पंडित जी के नाम को ना भूलें। अब तो मेले में हर चौराहे पे सूप मिल जाएगा आपको, लेकिन असली सूप अगर पीना है पंडित जी का, जिन्होंने 38 साल पहले शुरू किया, कोई सूप जानता नहीं था, आप आँख मूंझ के आए पंडित जी की दुकान पर, ओरिजिनल टमाटर का सूप मिलेगा आपको 100%। अगर कोई भी कमी करते हैं, जो कह दे पाउडर का है, सोस का है, किसी प्रकार का, मैं 5100 रुपये इनाम दूंगा उसे। वो
हाँ तो संडे की बिल्कुल तैयारी, बिल्कुल तैयारी है। टमाटो सूप के साथ में मैं भेलपूड़ी, बॉम्बे की शाही भेलपूड़ी आपको मात्र 40 रुपए में खिला रहा हूँ। मात्र 40 रुपए में, बकाया 60 की मिल रही है बाजार में, 50 की मिल रही है, मैं 40 में खिलाऊंगा गारंटी से और बढ़िया होगी। अब सूत्रा मेरे यहाँ अमूल सॉफ्टी, अमूल सॉफ्टी प्योर अमूल सॉफ्टी होगी, आप एक बार खा जाओ। मैं तो प्रमाण की सबसे बड़ी ये व्यवस्था मानता हूँ कि आप खाएं और कहें कि हाँ पंडित जी क्वालिटी है, तब तो पंडित जी। मैं कहना चाहूँगा अगर आप आ रहे हैं, कल संडे का दिन है, संडे के दिन तो आइए यहाँ पर छतरी नंबर 2 पर पंडित जी के सूप कॉर्नर पर आइए और जायकेदार सूप का टेस्ट लीजिए, अमेरिकन सॉफ्टी का टेस्ट लीजिए और साथ में भेलपूरी और मैगी। तीन सूप कर दिए, तीन सूप, हाँ टमाटर के साथ में सूप कौन सूप बेहतरीन, आपने खूब पिया होगा होटलों में भी। हाँ। मेरे यहाँ का सूप कौन सूप पी के देख लें एक बार गारंटी से। हाँ। बादाम सूप तो है, ये तीनों सूप यहाँ पर मिलेंगे, तो आइए छतरी नंबर 2 पर पंडित जी के सूप कॉर्नर पर, छतरी नंबर 2 पर।